दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आप सबके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ लाया हूँ। अगर आपको स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना है, स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना है, तो मैं आप लोग के लिए एक टीचर लेके आया हूँ, टेलीग्राम चैनल लेके आया हूँ। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगा, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर लीजिए। ये आपको सिखाते हैं कि हीरो ज़ीरो ट्रेड कैसे ली जाती है, हीरो ज़ीरो ट्रेड्स के बारे में सिखाते हैं। दिन में आप 3-4 हीरो ज़ीरो ट्रेड ले सकते हैं, ऐसे आपको ये सिखा के देंगे। हीरो ज़ीरो ट्रेड्स बेसिकली वो होते हैं जिसमें फॉर एग्जांपल आप 100 रुपये लगाएं, उनका 1000 या 10000 हो जाए या तो ज़ीरो हो जाए, दोनों में से एक चीज़ हो जाती है। तो ये आपको अच्छे से सिखाएंगे, तो मैं उनका नाम यहाँ डाल दूंगा और उनका बहुत सारे फेक चैनल उनके नाम पे बने हुए हैं, तो मैं दिए गए लिंक से ही आप ज्वाइन करें, नहीं तो आपको यहाँ पे नाम दिया जाएगा, उसको सर्च करके ही ज्वाइन करें। धन्यवाद। एक खिलाड़ी के रूप में मैं चाहूंगा कि हर भारतीय स्वस्थ और चुस्त रहे। तंबाकू स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती को नुकसान पहुंचाता है। सभी तंबाकू पदार्थ खतरनाक और घातक है। अगर आप स्वस्थ और तंदुरुस्त रहना चाहते हैं, तो तंबाकू से दूर रहें। मैं रहता हूं, आपको भी रहना चाहिए। आइए तंबाकू के सामने दीवार बनकर खड़े हों। डुप्लीकेट सनी देओल एंड डायरेक्शन इज वेरी गुड एंड वो क्या कहते हैं करण इतना डिसेंट और इतना अच्छा लग रहा है कि लाइक आई एंजॉयड द मूवी। फर्स्ट हाफ वॉज वेरी गुड, नॉट गुड, वेरी गुड, लाइक माउंटेन सीनरी एंड सो नाइस ही वॉज लुकिंग, इट वॉज वेरी नाइस, बट थोड़ा इंटरवल के बाद थोड़ा नीचे, बट डायरेक्शन इज वेरी वेरी गुड। तो पूरा सनी देओल ही लग रहा है वो तो। And वो फादर्स का लव भी दिख रहा है कि द वे ही हैज एक्टेड, इसे हर चीज की बारीकी उन्होंने देखी ना सनी देओल, एंड ही इज द कार्बन कॉपी ऑफ सनी देओल। फिल्म के नाम के अकॉर्डिंग इसकी स्टोरी कैसे पल पल दिल के पास, वो नाम थोड़ा मैच थोड़ा कम हो रहा है, कम हो रहा है, बट सहर इज वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। क्या सॉन्ग्स ओके, एक्शन वॉज ओके, but first half was very good. Out of 5, how many stars? I would to give 7. No, sorry, 7 out of 5, yeah. 4. Thank you. Awesome movie. The best acting was the actor Karan. His cuteness is awesome in the movie, and by the way, the Zeher was also too good in the movie, and the best song was of the movie Palpal Dil Ke Paas. The girl sang at the Manali while doing the camping. Awesome movie. New entry of the hero and heroine both. Awesome director was too good, but Sunny Deol was best director. Matlab, we can say it was perfect movie. Not one time watch, you can watch it many times. Awesome songs. Best song was Palpal Dil Ke Paas. While they are camping, full tour of the camp. It was too catchy, but in the movie. What of 5? Film awesome thi. Karan Deol kaise the? Karan Deol is awesome. And Dicto like Sunny Deol. Story detailing ke baat kare to kis tarah se thi? Kitna bandhe rakhi movie aapko? Kitna bandhe rakhi movie aapko? बांधे नहीं लगी क्योंकि लव स्टोरी है, फिर ऐसा बीच बीच में जो बोर होता, बोरनेस कभी आया नहीं फिल्म में, और उसमें फिल्म में बीच में एक एक्शन सीक्वेंस है करण देओल का, इट्स लाइक डुप्लीकेट ऑफ सनी देओल, एंड उसमें एक शाउट करता हो, जैसे सनी देओल अपने पिक्चर में शाउट करते थे, सेम साउंड एंड सेम वॉल्यूम साउंड 100%, क्योंकि कट्स एंड ऑल दैट सनी देओल के जैसी है पूरे। मूवी तो धमाकेदार होने वाली है, मूवी का याद नहीं, पर करण देओल धमाकेदार जरूर होने वाले बॉलीवुड में। गाने कैसे लगे आपको? गाने अच्छे, 4.5। अच्छी लगी मुझे मूवी। क्या अच्छी लगी फिल्म? फिल्म में मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि डायरेक्शन काफ़ी अच्छा था। फर्स्ट हाफ में मुझे जो लोकेशन था, जैसे मनाली का लोकेशन लिया हुआ था, काफ़ी अच्छी सिनेमाटोग्राफी थी मूवी की। सनी देओल का जो एक्चुअल पार्ट होता है वो सेकंड हाफ में जो फाइटिंग सीक्वेंसेस है काफ़ी अच्छे हैं, बाद में मूवी में एक अच्छा है, मतलब एक काफ़ी अच्छा फील आता है, फैमिली मूवी टाइप लगती है, बहुत अच्छी लगी। काफ़ी लोग सनी देओल से कंपेयर कर रहे थे, तो मूवी में कितनी झलक दिखी है इसकी? बोल सकते हैं कि फाइटिंग सीक्वेंस में जैसे सनी देओल को देख के लगता है एकदम एंग्री यंग मैन टाइप, वैसा फील आता है एकदम उनको देख के। मूवी की याद दिलाती है सनी देओल की? वैसे तो मैं काफ़ी सीन की
मुझे थोड़ी गदर की याद आती है सेकंड हाफ मूवी के अंदर, जब वो जो गदर की जो याद गदर में मतलब फाइटिंग सीक्वेंस ट्रेन का सीन आता मुझे याद, तो मतलब ऐसा आवाज़ चिल्लाने के हिसाब से मतलब वो आवाज़ एकदम सिमिलर लगी मुझे। सॉन्ग्स अच्छे थे मूवी काफ़ी, मुझे काफ़ी अच्छी लगे। एक्टिंग कैसी है? एक्टिंग दोनों एक्टर्स की अच्छी है, डेब्यूटेंट तो बहुत अच्छा एक्टिंग किया है और अच्छी होगी आगे जाके। रोमांस कितना दिखाया गया? रोमांस काफ़ी दिखाया, मतलब बोल सकते हैं कि दो तीन गाने बेस्ड है उसके ऊपर, तो मतलब काफ़ी है मतलब टाइटल सॉन्ग जो है पल पल दिल के प्यार, वो भी अच्छा था। क्या आपको अच्छा नहीं लगा फिल्म? क्या अच्छा नहीं लगा कि मूवी थोड़ी लंबी होगी सेकंड हाफ में, बस क्योंकि इतना एक्सपेक्टेड नहीं था कि सेकंड हाफ मूवी इतना खींचेगा, लेकिन वो खींचा मूवी तो करके फिर। अच्छा मार्क्स देना चाहोगे तो कितना, पाँच में कितना? पाँच में 3.5। करण तो इज डुप्लीकेट सनी देओल एंड डायरेक्शन इज वेरी गुड एंड वो क्या कहते हैं, करण इतना डिसेंट और इतना अच्छा लग रहा है कि लाइक आई एंजॉयड द मूवी। फर्स्ट हाफ वॉज वेरी गुड, नॉट गुड, वेरी गुड, लाइक माउंटेन सीनरी एंड सो नाइस ही वॉज लुकिंग, इट वॉज वेरी नाइस, बट थोड़ा इंटरवल के बाद थोड़ा नीचे, बट डायरेक्शन इज वेरी वेरी गुड। तो पूरा सनी देओल ही लग रहा है वो तो, एंड वो फादर्स का लव भी दिख रहा है कि द वे ही हैज एक्टेड, इसे हर चीज़ की बारीकी उन्होंने देखी ना सनी देओल, एंड ही इज़ द कार्बन कॉपी ऑफ सनी देओल। फिल्म के नाम के अकॉर्डिंग उसकी स्टोरी कैसे पल पल दिल के पास? वो नाम थोड़ा मैच थोड़ा कम हो रहा है, कम हो रहा है, बट शहर इज़ वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। क्या सॉन्ग्स? ओके, एक्शन वॉज ओके, बट फर्स्ट हाफ वॉज वेरी गुड। I would give 7. No, 7 out of 5. Yeah. 4. Thank you. Awesome movie. The best acting was the actor Karan. His cuteness is awesome in the movie. And by the way, the Zeher was also too good in the movie. And the best song was of the movie Pal Pal Dil Ke Paas. The girl sang at the Manali while doing the camping. Awesome movie. New entry of the hero and heroine both. डायरेक्टर वॉज टू गुड बट सनी देओल वॉज बेस्ट डायरेक्टर, मतलब वी कैन से इट वॉज परफेक्ट मूवी, नॉट वन टाइम वॉज, यू कैन वॉच इट मैनी टाइम्स। ऑसम सॉन्ग्स, बेस्ट सॉन्ग वॉज पल पल दिल के पास। वेल द कैंपिंग, फुल टूर ऑफ द कैंप, इट वॉज टू कैची बट इन द मूवी 5। फिल्म ऑसम थी। करण देओल इज ऑसम एंड डिक्टो लाइक सनी देओल। स्टोरी टेलिंग की बात करें तो किस तरह से थी? कितना बांधे रखी मूवी आपको? बांधे नहीं लगी क्योंकि लव स्टोरी है, फिर ऐसा बीच बीच में जो बोर होता है बोरनेस कभी आया नहीं फिल्म में, और उसमें फिल्म में बीच में एक एक्शन सिक्वेंस है करण देओल का, इट्स लाइक डुप्लीकेट ऑफ सनी देओल, एंड उसमें एक शाउट करता हो जैसे सनी देओल अपने पिक्चर में शाउट करते थे, सेम साउंड एंड सेम वॉल्यूम साउंड 100%, क्योंकि कट्स एंड ऑल दैट सनी देओल के जैसी है पूरे। मूवी तो धमाकेदार होने वाली है, मूवी का याद नहीं, पर करण देओल धमाकेदार जरूर होने वाले बॉलीवुड में। गाने कैसे लगे आपको? गाने अच्छे, 4.5। अच्छी लगी मुझे मूवी। क्या अच्छी लगी फिल्म? फिल्म में मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि डायरेक्शन काफ़ी अच्छा था। फर्स्ट हाफ में मुझे जो लोकेशन था जैसे मनाली का लोकेशन लिया हुआ था, काफ़ी अच्छी सिनेमाटोग्राफी थी मूवी की। सनी देओल का जो एक्चुअल पार्ट होता है वो सेकंड हाफ में जो फाइटिंग सीक्वेंसेस है काफ़ी अच्छे हैं, बाद में मूवी में एक अच्छा है मतलब एक काफ़ी अच्छा फील आता है, फैमिली मूवी टाइप लगती है, बहुत अच्छी लगी। काफ़ी लोग सनी देओल से कंपेयर कर रहे थे, तो मूवी में कितनी झलक दिखी है इसकी? बोल सकते हैं कि फाइटिंग सीक्वेंस में जैसे सनी देओल को देख के लगता है एकदम एंग्री यंग मैन टाइप, वैसा फील आता है एकदम उनको देख के। मूवी की याद दिलाती है सनी देओल की? वैसे तो मैं काफ़ी किसी सीन की मुझे थोड़ी गदर की याद आती है सेकंड हाफ मूवी के अंदर, जब वो जो गदर की जो याद दिलाती गदर में मतलब फाइटिंग सीक्वेंस ट्रेन का सीन आता मुझे याद, तो मतलब ऐसा आवाज़ चिल्लाने के हिसाब से मतलब वो आवाज़ एकदम सिमिलर लगी मुझे। सॉन्ग्स अच्छे थे मूवी काफ़ी, मुझे काफ़ी अच्छी लगे। एक्टिंग कैसी है? एक्टिंग दोनों एक्टर्स की अच्छी है, डेब्यूटेंट तो बहुत अच्छा एक्टिंग किया है और अच्छी होगी आगे जाके। बताएं आप, रोमांटिक
रोमांस कितना दिखाया गया? रोमांस काफ़ी दिखाया, मतलब बोल सकते हैं कि 2-3 गाने बेस्ड है उसके ऊपर, तो मतलब काफ़ी है, मतलब टाइटल सॉन्ग जो है पल पल दिल के प्यार, वो भी अच्छा था। क्या आपको अच्छा नहीं लगा फिल्म? क्या अच्छा नहीं लगा कि मूवी थोड़ी लंबी होगी सेकंड हाफ में, बस क्योंकि इतना एक्सपेक्टेड नहीं था कि सेकंड हाफ मूवी इतना खींचेगा, लेकिन वो खींचा मूवी तो करके फिर। अच्छा, मार्क्स देना चाहोगे तो कितना, 5 में कितना? 5 में 3.5। करण तो इज डुप्लीकेट सनी देओल एंड डायरेक्शन इज वेरी गुड एंड वो क्या कहते हैं, करण इतना डिसेंट और इतना अच्छा लग रहा है कि लाइक आई एंजॉयड द मूवी। फर्स्ट हाफ वॉज वेरी गुड, नॉट गुड, वेरी गुड, लाइक माउंटेन सीनरी एंड सो नाइस ही वॉज लुकिंग, इट वॉज वेरी नाइस, बट थोड़ा इंटरवल के बाद थोड़ा नीचे, बट डायरेक्शन इज वेरी वेरी गुड। तो पूरा सनी देओल ही लग रहा है वो तो, एंड वो फादर्स का लव भी दिख रहा है कि द वे ही हैज एक्टेड, इसे हर चीज़ की बारीकी उन्होंने देखी ना सनी देओल, एंड ही इज द कार्बन कॉपी ऑफ सनी देओल। फिल्म के नाम के अकॉर्डिंग उसकी स्टोरी कैसे पल पल दिल के वो नाम थोड़ा मैच थोड़ा कम हो रहा है, बट सहर इज वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। क्या सॉन्ग्स? ओके, एक्शन वॉज ओके, बट फर्स्ट हाफ वॉज वेरी गुड। I would to give 7. No, 7 out of 5. Yeah. 4. Thank you. Awesome movie. The best acting was the actor Karan. His cuteness is awesome in the movie. And by the way, the Zeher was also too good in the movie. And the best song was of the movie Pal Pal Dil Ke Paas. The girl sang at the Manali while doing the camping. Awesome movie. New entry of the hero and heroine both. Awesome director was too good, but Sunny Deol was best director, matlab we can say it was perfect movie, not one time but you can watch it many times. Awesome songs, best song was Pal Pal Dil Ke Paas. Acha koi scene tha jahan pe aap stuck se ho gaye ho? While they are camping, full tour of the camp, it was too catchy but in the movie. Out of 5? 5. Film awesome thi. करण देओल इज ऑसम एंड डिक्टो लाइक सनी देओल। स्टोरी डिटेलिंग की बात करें तो किस तरह से थी, कितना बांधे रखी मूवी आपको, कितना बांधे रखी मूवी आपको? बांधे नहीं लगी क्योंकि लव स्टोरी है, फिर ऐसा बीच बीच में जो बोर होता है बोरनेस कभी आया नहीं फिल्म में, और उसमें फिल्म में बीच में एक एक्शन सिक्वेंस है करण देओल का, इट्स लाइक डुप्लीकेट ऑफ सनी देओल, एंड उसमें एक शाउट करता हो जैसे सनी देओल अपने पिक्चर में शाउट करते थे, सेम साउंड एंड सेम वॉल्यूम साउंड 100%, क्योंकि कट्स एंड ऑल दैट सनी देओल के जैसी है पूरे। मूवी तो धमाकेदार होने वाली है, मूवी का याद नहीं, पर करण देओल धमाकेदार जरूर होने वाले बॉलीवुड में। गाने कैसे लगे आपको? गाने अच्छे, 4.5। अच्छी लगी मुझे मूवी। क्या अच्छी लगी फिल्म? फिल्म में मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि डायरेक्शन काफ़ी अच्छा था। फर्स्ट हाफ में मुझे जो लोकेशन था, जैसे मनाली का लोकेशन लिया हुआ था, काफ़ी अच्छी सिनेमाटोग्राफी थी मूवी की। सनी देओल का जो एक्चुअल पार्ट होता है वो सेकंड हाफ में जो फाइटिंग सीक्वेंसेस है काफ़ी अच्छे हैं, बाद में मूवी में एक अच्छा है, मतलब एक काफ़ी अच्छा फील आता है, फैमिली मूवी टाइप लगती है, बहुत अच्छी लगी। काफ़ी लोग सनी देओल से कंपेयर कर रहे थे, तो मूवी में कितनी झलक दिखी है इसकी? बोल सकते हैं कि फाइटिंग सीक्वेंस में जैसे सनी देओल को देख के लगता है एकदम एंग्री यंग मैन टाइप, वैसा फील आता है एकदम उनको देख के। मूवी की याद दिलाती है सनी देओल की? मैं काफी किसे सीन की मुझे थोड़ी गदर की याद आती है सेकंड हाफ मूवी के अंदर, जब वो जो गदर की जो याद दिलाती है गदर में, मतलब फाइटिंग सीक्वेंस ट्रेन का सीन आता मुझे याद, तो मतलब ऐसा आवाज चिल्लाने के हिसाब से, मतलब वो आवाज एकदम सिमिलर लगी मुझे। सॉन्ग्स अच्छे थे मूवी, काफी मुझे काफी अच्छी लगे। एक्टिंग दोनों एक्टर्स की अच्छी है, डेब्यूटेंट तो बहुत अच्छा एक्टिंग किया है और अच्छी होगी आगे जाके। बताएं आप, रोमांस कितना दिखाया गया? रोमांस काफ़ी दिखाया, मतलब बोल सकते हैं कि 2-3 गाने बेस्ड है उसके ऊपर, तो मतलब काफ़ी है, मतलब वो टाइटल सॉन्ग जो है पल पल दिल के प्यार, वो भी अच्छा था। क्या आपको अच्छा नहीं लगा फिल्म? क्या अच्छा नहीं लगा कि मूवी थोड़ी लंबी होगी सेकंड हाफ में, बस क्योंकि इतना एक्सपेक्टेड नहीं था कि सेकंड हाफ मूवी इतना खींचेगा, लेकिन वो खींचा मूवी तो करके फिर। अच्छा, मार्क्स देना चाहोगे तो कितना, 5 में कितना? 5 में 3.5।
करण तो इज डुप्लीकेट सनी देओल एंड डायरेक्शन इज वेरी गुड एंड वो क्या कहते हैं करण इतना डिसेंट और इतना अच्छा लग रहा है कि लाइक आई एंजॉयड द मूवी. फर्स्ट हाफ वॉज वेरी गुड, नॉट गुड, वेरी गुड, लाइक माउंटेन सीनरी एंड सो नाइस ही वॉज लुकिंग, इट वॉज वेरी नाइस. बट थोड़ा इंटरवल के बाद थोड़ा नीचे, बट डायरेक्शन इज वेरी वेरी गुड. तो पूरा सनी देओल ही लग रहा है वो तो. एंड वो फादर्स का लव भी दिख रहा है कि द वे ही हैज एक्टेड, इसे हर चीज की बारीकी उन्होंने देखी ना सनी देओल, एंड ही इज द कार्बन कॉपी ऑफ सनी देओल. फिल्म के नाम के अकॉर्डिंग इसकी स्टोरी कैसे पल पल दिल के पास, वो नाम थोड़ा मैच थोड़ा कम हो रहा है, कम हो रहा है, बट शहर इज वेरी गुड, वेरी वेरी गुड. क्या सॉन्ग्स? ओके, एक्शन वॉज ओके, बट फर्स्ट हाफ वॉज वेरी गुड. I would to give 7. No, sorry, 7 out of 5. Yeah. 4. Thank you. Awesome movie. The best acting was the actor Karan. His cuteness is awesome in the movie. And by the way, the Zeher was also too good in the movie. And the best song was of the movie Palpal Dil Ke Paas. The girl sang at the Manali while doing the camping. Awesome movie. New entry of the hero and heroine both. Awesome director was too good, but Sunny Deol was best director. Matlab, we can say it was perfect movie. Not one time, but you can watch it many times. Awesome songs. Best song was Palpal Dil Ke Paas. While they're camping, full tour of the camp. It was too catchy, but in the movie. 5. Film awesome thi. Karan Deol is awesome and ditto like Sunny Deol. Story retelling ki baat kare to kis tarah se kitne bande rakhi movie aapko, kitna bande rakhi movie aapko? Bande nahi lagi kyunki love story hai, fir aisa beech beech mein jo bore hota boreness kabhi aaya nahi film mein, aur usme film mein beech mein ek action sequence hai Karan Deol ka. इट्स लाइक डुप्लीकेट ऑफ सनी देओल एंड उसमें एक शाउट करता हो, जैसे सनी देओल अपने पिक्चर में शाउट करते थे, सेम साउंड एंड सेम वॉल्यूम साउंड 100%, क्योंकि कट्स एंड ऑल दैट सनी देओल के जैसी है पूरे. मूवी तो धमाकेदार होने वाली है, मूवी का याद नहीं, पर करण देओल धमाकेदार जरूर होने वाले बॉलीवुड में. गाने कैसे लगे आपको? गाने अच्छे, 4.5. अच्छी लगी मुझे मूवी. क्या अच्छी लगी फिल्म? फिल्म में मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि डायरेक्शन काफ़ी अच्छा था. फर्स्ट हाफ में मुझे जो लोकेशन था, जैसे मनाली का लोकेशन लिया हुआ था, काफ़ी अच्छी सिनेमाटोग्राफी थी मूवी की. सनी देओल का जो एक्चुअल पार्ट होता है वो सेकेंड हाफ में जो फाइटिंग सीक्वेंसेस है काफ़ी अच्छे हैं. बाद में मूवी में एक अच्छा है, मतलब एक काफ़ी अच्छा फील आता है, फैमिली मूवी टाइप लगती है, बहुत अच्छी लगी. काफ़ी लोग सनी देओल से कंपेयर कर रहे थे, तो मूवी में कितनी झलक दिखी है इसकी? बोल सकते हैं कि फाइटिंग सीक्वेंस में जैसे सनी देओल को देख के लगता है एकदम एंग्री यंग मैन टाइप, वैसा फील आता है एकदम उनको देख के. किस मूवी की याद दिलाती है सनी देओल की? वैसे तो मैं काफ़ी किसी सीन की मुझे थोड़ी गदर की याद आती है मूवी सेकेंड हाफ मूवी के अंदर, जब वो जो गदर की जो याद दिलाती है. गदर में मतलब फाइटिंग सीक्वेंस जो ट्रेन का सीन आता मुझे याद, तो मतलब ऐसा आवाज़ चिल्लाने के हिसाब से, मतलब वो आवाज़ एकदम सिमिलर लगी मुझे. सॉन्ग्स अच्छे थे मूवी, काफ़ी मुझे काफ़ी अच्छी लगे. एक्टिंग कैसी है? एक्टिंग दोनों एक्टर्स की अच्छी है, डेब्यूटेंट तो बहुत अच्छा एक्टिंग किया है और अच्छी होगी आगे जाके. रोमांस कितना दिखाया गया? रोमांस काफ़ी दिखाया, मतलब बोल सकते हैं कि 2-3 गाने बेस्ट है उसके ऊपर, तो मतलब काफ़ी है, मतलब टाइटल सॉन्ग जो है पल पल दिल के पास, वो भी अच्छा था. क्या आपको अच्छा नहीं लगा फिल्म? क्या अच्छा लगा कि मूवी थोड़ी लंबी हो गई सेकंड हाफ में, बस क्योंकि इतना एक्सपेक्टेड नहीं था कि सेकंड हाफ मूवी इतना खींचेगा, लेकिन वो खींचा मूवी तो करके फिर. अच्छा, मार्क्स देना चाहोगे तो कितना? 5 में कितना? 5 में 3.5. करण तो इज डुप्लीकेट सनी देओल एंड डायरेक्शन इज वेरी गुड एंड वो क्या कहते हैं करण इतना डिसेंट और इतना अच्छा लग रहा है कि लाइक आई एंजॉयड द मूवी. फर्स्ट हाफ वॉज वेरी गुड, नॉट गुड, वेरी गुड, लाइक माउंटेन सीनरी एंड सो नाइस ही वॉज लुकिंग, इट वॉज वेरी नाइस. बट थोड़ा इंटरवल के बाद थोड़ा नीचे, बट डायरेक्शन इज वेरी वेरी गुड. तो पूरा सनी देओल ही लग रहा है वो तो.
एंड वो फादर्स का लव भी दिख रहा है कि द वे ही हैज एक्टेड, इसे हर चीज की बारीकी उन्होंने देखी ना सनी देओल, एंड ही इज द कार्बन कॉपी ऑफ सनी देओल. फिल्म के नाम के अकॉर्डिंग इसकी स्टोरी कैसे पल पल दिल के पास, वो नाम थोड़ा मैच थोड़ा कम हो रहा है, कम हो रहा है, बट सहर इज वेरी गुड, वेरी वेरी गुड. क्या सॉन्ग्स? ओके. एक्शन वॉज ओके, बट फर्स्ट हाफ वॉज वेरी गुड. I would give 7. No, 7 out of 5. Yeah. 4. Thank you. Awesome movie. The best acting was the actor Karan. His cuteness is awesome in the movie. And by the way, the Zeher was also too good in the movie. And the best song was of the movie Palpal Dil Ke Paas. The girl sang at the Manali while doing the camping. Awesome movie. New entry of the hero and heroine both. Director was too good, but Sunny Deol was best director. Matlab, we can say it was perfect movie. Not one time, but you can watch it many times. Awesome songs. Best song was Pal Pal Dil Ke Paas. While they're camping, full tour of the camp. It was too catchy, but in the movie. 5. Film awesome thi. Karan Deol is awesome and Dicto like Sunny Deol. बांधे नहीं लगी क्योंकि लव स्टोरी है, फिर ऐसा बीच बीच में जो बोर होता है बोरनेस कभी आया नहीं फिल्म में, और उसमें फिल्म में बीच में एक एक्शन सिक्वेंस है करण देवल का, इट्स लाइक डुप्लीकेट ऑफ सनी देवल, एंड उसमें एक शाउट करता हो जैसे सनी देवल अपने पिक्चर में शाउट करते थे, सेम साउंड एंड सेम वॉल्यूम साउंड 100%, क्योंकि कट्स एंड ऑल दैट सनी देओल के जैसी है पूरे. मूवी तो धमाकेदार होने वाली है, मूवी का याद नहीं, पर करण देओल धमाकेदार जरूर होने वाले बॉलीवुड में. गाने कैसे लगे आपको? गाने अच्छे, 4.5. अच्छी लगी मुझे मूवी. क्या अच्छी लगी फिल्म में? फिल्म में मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि डायरेक्शन काफ़ी अच्छा था. फर्स्ट हाफ में मुझे जो लोकेशन था, जैसे मनाली का लोकेशन लिया हुआ था, काफ़ी अच्छी सिनेमाटोग्राफी थी मूवी की. सनी देओल का जो एक्चुअल पार्ट होता है वो सेकंड हाफ में जो फाइटिंग सीक्वेंसेस है काफ़ी अच्छे हैं. बाद में मूवी में एक अच्छा है, मतलब एक काफ़ी अच्छा फील आता है, फैमिली मूवी टाइप लगती है, बहुत अच्छी लगी. काफ़ी लोग सनी देओल से कंपेयर कर रहे थे, तो मूवी में कितनी झलक दिखी है इसकी? बोल सकते हैं कि फाइटिंग सीक्वेंस में जैसे सनी देओल को देख के लगता है एकदम एंग्री यंग मैन टाइप, वैसा फील आता है एकदम उनको देख के. मूवी की याद दिलाती है सनी देओल की? वैसे तो मैं काफ़ी किसी सीन की मुझे थोड़ी गदर की याद आती है मूवी सेकंड हाफ. मूवी के अंदर जब वो जो गदर की जो याद दिलाती गदर में, मतलब फाइटिंग सीक्वेंस ट्रेन का सीन आता मुझे याद, तो मतलब ऐसा आवाज़ चिल्लाने के हिसाब से, मतलब वो आवाज़ एकदम सिमिलर लगी मुझे. सॉन्ग्स अच्छे थे मूवी, काफ़ी मुझे काफ़ी अच्छी लगे. एक्टिंग कैसी है? एक्टिंग दोनों एक्टर्स की अच्छी है, था डेब्यूटेंट तो बहुत अच्छा एक्टिंग किया है और अच्छी होगी आगे जाके. बताएं आप, रोमांस कितना दिखाया गया? रोमांस काफ़ी दिखाया, मतलब बोल सकते हैं कि 2-3 गाने बेस्ड है उसके ऊपर, तो मतलब काफ़ी है, मतलब टाइटल सॉन्ग जो है पल पल दिल के पास वो भी अच्छा था. क्या आपको अच्छा नहीं लगा फिल्म? क्या अच्छा नहीं लगा कि मूवी थोड़ी लंबी होगी सेकंड हाफ में, बस क्योंकि इतना एक्सपेक्टेड नहीं था कि सेकंड हाफ मूवी इतना खींचेगा, लेकिन वो खींचा मूवी तो करके फिर. अच्छा, मार्क्स देना चाहोगे तो कितना? 5 में कितना? 5 में 3.5. करण तो इज डुप्लीकेट सनी देओल एंड डायरेक्शन इज वेरी गुड, एंड वो क्या कहते हैं, करण इतना डिसेंट और इतना अच्छा लग रहा है कि लाइक आई एंजॉयड द मूवी. फर्स्ट हाफ वॉज वेरी गुड, नॉट गुड, वेरी गुड, लाइक माउंटेन सीनरी एंड सो नाइस ही वॉज लुकिंग, इट वॉज वेरी नाइस, बट थोड़ा इंटरवल के बाद थोड़ा नीचे, बट डायरेक्शन इज वेरी वेरी गुड. तो पूरा सनी देओल ही लग रहा है वो तो. एंड वो फादर्स का लव भी दिख रहा है कि द वे ही हैज एक्टेड, इसे हर चीज की बारीकी उन्होंने देखी ना सनी देओल, एंड ही इज द कार्बन कॉपी ऑफ सनी देओल. फिल्म के नाम के अकॉर्डिंग इसकी स्टोरी कैसे पल पल दिल के पास? वो नाम थोड़ा मैच थोड़ा कम हो रहा है, कम हो रहा है, बट सहर इज वेरी गुड, वेरी वेरी गुड. क्या सॉन्ग्स? ओके. एक्शन वॉज ओके,
बट फर्स्ट हाफ वॉज वेरी गुड. आई वुड टू गिव 7. नो नो सॉरी 7 आउट ऑफ 5. 4. Thank you. Awesome movie. The best acting was the actor Karan. His cuteness is awesome in the movie. And by the way, the Zeher was also too good in the movie. And the best song was of the movie Palpal Dil Ke Paas. The girl sang at the Manali while doing the camping. Awesome movie. New entry of the hero and heroine both. Awesome director was too good, but Sunny Deol was best director. Matlab, we can say it was perfect movie. Not one time, but you can watch it many times. Awesome songs. Best song was Palpal Dil Ke Paas. While they are camping, full tour of the camp. It was too catchy, but in the movie. 5. Film awesome thi. Karan Deol is awesome. And Dicto like Sunny Deol. Story retelling की बात करें तो किस तरह से थी? कितना बांधे रखी मूवी आपको? बांधे नहीं लगी क्योंकि लव स्टोरी है. फिर ऐसा बीच बीच में जो बोर होता बोरनेस कभी आया नहीं फिल्म में. और उसमें फिल्म में बीच में एक एक्शन सिक्वेंस है करण देवल का. इट्स लाइक डुप्लीकेट ऑफ सनी देवल. एंड उसमें एक शाउट करता हो जैसे सनी देवल अपने पिक्चर में शाउट करते थे. सेम साउंड एंड सेम वॉल्यूम साउंड 100% क्योंकि कट्स एंड ऑल दैट सनी देओल के जैसी है पूरे. मूवी तो धमाकेदार होने वाली है. मूवी का याद नहीं पर करण देओल धमाकेदार जरूर होने वाले बॉलीवुड में. गाने कैसे लगे आपको? गाने अच्छे. 4.5. अच्छी लगी मुझे मूवी. क्या अच्छी लगी फिल्म? फिल्म में मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि डायरेक्शन काफ़ी अच्छा था. फर्स्ट हाफ में मुझे जो लोकेशन था जैसे मनाली का लोकेशन लिया हुआ था. काफ़ी अच्छी सिनेमाटोग्राफी थी मूवी की. सनी देओल का जो एक्चुअल पार्ट होता है वो सेकंड हाफ में जो फाइटिंग सीक्वेंसेस है काफ़ी अच्छे हैं. बाद में मूवी में एक अच्छा है मतलब एक काफ़ी अच्छा फील आता है. फैमिली मूवी टाइप लगती है. बहुत अच्छी लगी. काफ़ी लोग सनी देओल से कंपेयर कर रहे थे तो मूवी में कितनी झलक दिखी है इसकी? बोल सकते हैं कि फाइटिंग सीक्वेंस में जैसे सनी देओल को देख के लगता है एकदम एंग्री यंग मैन टाइप वैसा फील आता है एकदम उनको देख के. मूवी की याद दिलाती है सनी देओल की? मैं काफी सीन की मुझे थोड़ी गदर की याद आती है सेकंड हाफ मूवी के अंदर. जब वो जो गदर की जो याद दिलाती गदर में मतलब फाइटिंग सीक्वेंस ट्रेन का सीन आता मुझे याद. तो मतलब ऐसा आवाज चिल्लाने के हिसाब से मतलब वो आवाज एकदम सिमिलर लगी मुझे. सॉन्ग्स अच्छे थे मूवी काफी. मुझे काफी अच्छी लगे. एक्टिंग दोनों एक्टर्स की अच्छी है. डेब्यूटेंट तो बहुत अच्छा एक्टिंग किया है और अच्छी होगी आगे जाके. रोमांस कितना दिखाया गया? रोमांस काफ़ी दिखाया है. मतलब बोल सकते हैं कि 2-3 गाने बेस्ड है उसके ऊपर. तो मतलब काफ़ी है मतलब वो टाइटल सॉन्ग जो है पल पल दिल के पास वो भी अच्छा था. क्या आपको अच्छा नहीं लगा फिल्म? क्या अच्छा नहीं लगा कि मूवी थोड़ी लंबी होगी सेकंड हाफ में. बस क्योंकि इतना एक्सपेक्टेड नहीं था कि सेकंड हाफ मूवी इतना खींचेगा लेकिन वो खींचा मूवी तो करके फिर. अच्छा मार्क्स देना चाहोगे तो कितना? 5 में कितना? 5 में 3.5. करण तो इज डुप्लीकेट सनी देओल एंड डायरेक्शन इज वेरी गुड. एंड वो क्या कहते हैं करण इतना डिसेंट और इतना अच्छा लग रहा है कि लाइक आई एंजॉयड द मूवी. फर्स्ट हाफ वॉज वेरी गुड. नॉट गुड वेरी गुड लाइक माउंटेन सीनरी एंड सो नाइस ही वॉज लुकिंग. इट वॉज वेरी नाइस बट थोड़ा इंटरवल के बाद थोड़ा नीचे. बट डायरेक्शन इज वेरी वेरी गुड. तो पूरा सनी देओल ही लग रहा है वो तो. एंड वो फादर्स का लव भी दिख रहा है कि द वे ही हैज एक्टेड. इसे हर चीज़ की बारीकी उन्होंने देखी ना सनी देओल. एंड ही इज़ द कार्बन कॉपी ऑफ सनी देओल. फिल्म के नाम के अकॉर्डिंग इसकी स्टोरी कैसे पल पल दिल के पास? वो नाम थोड़ा मैच थोड़ा कम हो रहा है बट सहर इज वेरी गुड. वेरी वेरी गुड. क्या सॉन्ग्स? ओके एक्शन वॉज ओके but first half was very good. Out of 5, how many stars? I would to give 7. not 7, out of 5, yeah. 4. Thank you. Awesome movie. The best acting was the actor Karan. His cuteness is awesome in the movie. And by the way, the Zeher was also too good in the movie. And the best song was of the movie Palpal Dil Ke Paas.
the girl sang at the Manali while doing the camping. Awesome movie. New entry of the hero and heroine both. Awesome director was too good, but Sunny Deol was best director. Matlab, we can say it was perfect movie. Not one time, but you can watch it many times. Awesome songs. Best song was Palpal Dil Ke Paas. While they're camping, full tour of the camp. It was too catchy, but in the movie. Five. Film awesome thi. Karan Deol is awesome. And Dicto like Sunny Deol. Story retelling ke baat kare to kis tarah se kitne bande rakhe movie aapko kitna bande rakhi movie aapko bande nahi lagi kyunki love story hai fir aisa beech mein jo bore hota boreness kabhi aaya nahi film mein aur usme film mein beech mein ek action sequence hai Karan Deol ka it's like duplicate of Sunny Deol and usme ek shout karta hu jaise Sunny Deol apne picture mein shout karte the same sound and same volume sound 100% क्योंकि कट्स एंड ऑल दैट सनी देओल के जैसी है पूरे मूवी तो धमाकेदार होने वाली है मूवी का याद नहीं पर करण देओल धमाकेदार जरूर होने वाले बॉलीवुड में गाने कैसे लगे आपको गाने अच्छे 4.5 अच्छी लगी मुझे मूवी क्या अच्छी लगी तुम्हें फिल्म में मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि डायरेक्शन काफ़ी अच्छा था फर्स्ट हाफ में मुझे जो लोकेशन था जैसे मनाली का लोकेशन लिया हुआ था काफ़ी अच्छी सिनेमाटोग्राफी थी मूवी की सनी देओल का जो एक्चुअल पार्ट होता है वो सेकंड हाफ में जो फाइटिंग सीक्वेंसेस है काफ़ी अच्छे हैं बाद में मूवी में एक अच्छा है मतलब एक काफ़ी अच्छा फील आता है फैमिली मूवी टाइप लगती है बहुत अच्छी लगी काफ़ी लोग सनी देओल से कंपेयर कर रहे थे तो मूवी में कितनी झलक दिखी है इसकी बोल सकते हैं कि फाइटिंग सीक्वेंस में जैसे सनी देओल को देख के लगता है एकदम एंग्री यंग मैन टाइप वैसा फील आता है एकदम उनको देख के मूवी की याद दिलाती है सनी देओल की मतलब मैं काफ़ी किसी सीन की मुझे थोड़ी गदर की याद आती है मूवी सेकंड हाफ मूवी के अंदर जब वो जो गदर की जो याद दिलाती गदर में मतलब फाइटिंग सीक्वेंस ट्रेन का सीन आता मुझे याद तो मतलब ऐसा आवाज़ चिल्लाने के हिसाब से मतलब वो आवाज़ एकदम सिमिलर लगी मुझे सॉन्ग्स अच्छे थे मूवी काफ़ी मुझे काफ़ी अच्छी लगे एक्टिंग दोनों एक्टर्स की अच्छी है सर डेब्यूटेंट तो बहुत अच्छा एक्टिंग किया है और अच्छी होगी आगे जाके तो बताएं आप रोमांस कितना दिखाया गया फिल्म रोमांस काफ़ी दिखाया मतलब बोल सकते हैं कि दो तीन गाने बेस्ड है उसके ऊपर तो मतलब काफ़ी है मतलब और वो टाइटल सॉन्ग जो है पल पल दिल के प्यार वो भी अच्छा था अच्छा क्या आपको अच्छा नहीं लगा फिल्म क्या अच्छा नहीं लगा कि मूवी थोड़ी लंबी होगी सेकेंड हाफ में बस क्योंकि इतना एक्सपेक्टेड नहीं था कि सेकेंड हाफ मूवी इतना खींचेगा लेकिन वो खींचा मूवी तो करके फिर अच्छा मार्क्स देना चाहोगे तो कितना पाँच में कितना पाँच में 3.5 करण तो इज डुप्लीकेट सनी देओल एंड डायरेक्शन इज वेरी गुड एंड वो क्या कहते हैं करण इतना डिसेंट और इतना अच्छा लग रहा है कि लाइक आई एंजॉयड द मूवी फर्स्ट हाफ वॉज वेरी गुड नॉट गुड वेरी गुड लाइक माउंटेन सीनरी एंड सो नाइस ही वॉज लुकिंग इट वॉज वेरी नाइस बट थोड़ा इंटरवल के बाद थोड़ा नीचे बट डायरेक्शन इज वेरी वेरी गुड तो पूरा सनी देओल ही लग रहा है वो तो एंड वो फादर्स का लव भी दिख रहा है कि द वे ही हैज एक्टेड इसे हर चीज़ की बारीकी उन्होंने देखी ना सनी देओल एंड ही इज द कार्बन कॉपी ऑफ सनी देओल फिल्म के नाम के अकॉर्डिंग इसकी स्टोरी कैसे पल पल दिल के पास वो नाम थोड़ा मैच थोड़ा कम हो रहा है कम हो रहा है बट शहर इज वेरी गुड वेरी वेरी गुड क्या सॉन्ग्स ओके एक्शन वॉज ओके But first half was very good. Out of 5, how many stars? I would to give 7. no, not 7. Out of 5, yeah. 4. Thank you. Awesome movie. The best acting was the actor Karan. His cuteness is awesome in the movie. And by the way, the Zeher was also too good in the movie. And the best song was of the movie Palpal Dil Ke Paas. The girl sang at the Manali while doing the camping. Awesome movie. New entry. New entry of the hero and heroine both. Awesome director was too good, but Sunny Deol was best director. Matlab, we can say it was perfect movie. Not one time, but you can watch it many times. Awesome songs. Best song was Palpal Dil Ke Paas. अच्छा कोई सीन था जहाँ पे आप स्टंप से हो गए हो
वेल दे आर कैंपिंग फुल टूर ऑफ द कैंप इट वॉज टू कैची बट इन द मूवी फाइव फिल्म ऑसम थी करण देवल इज ऑसम एंड डिक्टो लाइक सनी देवल बांधे नहीं लगी क्योंकि लव स्टोरी है फिर ऐसा बीच बीच में जो बोर होता बोरनेस कभी आया नहीं फिल्म में और उसमें फिल्म में बीच में एक एक्शन सीक्वेंस है करण देवल का इट्स लाइक डुप्लीकेट ऑफ सनी देवल एंड उसमें एक शाउट करता हो जैसे सनी देवल अपने पिक्चर में शाउट करते थे सेम साउंड एंड सेम वॉल्यूम साउंड 100% क्योंकि कट्स एंड ऑल दैट सनी देवल के जैसी है पूरे मूवी तो धमाकेदार होने वाली है मूवी का याद नहीं पर करण देवल धमाकेदार जरूर होने वाले बॉलीवुड में गाने कैसे लगे आपको गाने अच्छे 4.5 अच्छी लगी मुझे मूवी क्या अच्छी लगी फिल्म फिल्म में मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि डायरेक्शन काफ़ी अच्छा था फर्स्ट हाफ में मुझे जो लोकेशन था जैसे मनाली का लोकेशन लिया हुआ था काफ़ी अच्छी सिनेमाटोग्राफी थी मूवी की सनी देवल का जो एक्चुअल पार्ट होता है वो सेकंड हाफ में जो फाइटिंग सीक्वेंसेस है काफ़ी अच्छे हैं बाद में मूवी में एक अच्छा है मतलब एक काफ़ी अच्छा फील आता है फैमिली मूवी टाइप लगती है बहुत अच्छी लगी काफ़ी लोग सनी देवल से कंपेयर कर रहे थे तो मूवी में कितनी झलक दिखी है इसकी बोल सकते हैं कि फाइटिंग सीक्वेंस में जैसे सनी देवल को देख के लगता है एकदम एंग्री यंग मैन टाइप वैसा फील आता है एकदम उनको देख के मूवी की याद दिलाती है सनी देवल की वैसे तो मैं काफ़ी किसी सीन की मुझे थोड़ी गदर की याद आती है सेकंड हाफ मूवी के अंदर जब वो जो गदर की जो याद दिलाती है गदर में मतलब फाइटिंग सीक्वेंस ट्रेन का सीन आता मुझे याद तो मतलब ऐसा आवाज़ चिल्लाने के हिसाब से मतलब वो आवाज़ एकदम सिमिलर लगी मुझे सॉन्ग्स अच्छे थे मूवी काफ़ी मुझे काफ़ी अच्छी लगे एक्टिंग कैसी है एक्टिंग दोनों एक्टर्स की अच्छी है सर डेब्यूटेंट तो बहुत अच्छा एक्टिंग किया है और अच्छी होगी आगे जाके रोमांस कितना दिखाया गया रोमांस काफ़ी दिखाया मतलब बोल सकते हैं कि दो तीन गाने बेस्ट है उसके ऊपर तो मतलब काफ़ी है मतलब टाइटल सॉन्ग जो है पल पल दिल के पास वो भी अच्छा था क्या आपको अच्छा नहीं लगा फिल्म क्या अच्छा लगा कि मूवी थोड़ी लंबी होगी सेकंड हाफ में बस क्योंकि इतना एक्सपेक्टेड नहीं था कि सेकंड हाफ मूवी इतना खींचेगा लेकिन वो खींचा मूवी तो करके फिर अच्छा मार्क्स देना चाहोगे तो कितना पाँच में कितना पाँच में 3.5 करण तो इज डुप्लीकेट सनी देओल एंड डायरेक्शन इज वेरी गुड एंड वो क्या कहते हैं करण इतना डिसेंट और इतना अच्छा लग रहा है कि लाइक आई एंजॉयड द मूवी फर्स्ट हाफ वॉज वेरी गुड नॉट गुड वेरी गुड लाइक माउंटेन सीनरी एंड सो नाइस ही वॉज लुकिंग इट वॉज वेरी नाइस बट थोड़ा इंटरवल के बाद थोड़ा नीचे बट डायरेक्शन इज वेरी वेरी गुड तो पूरा सनी देओल ही लग रहा है वो तो एंड वो फादर्स का लव भी दिख रहा है कि द वे ही हैज एक्टेड इसे हर चीज़ की बारीकी उन्होंने देखी ना सनी देओल एंड ही इज द कार्बन कॉपी ऑफ सनी देओल फिल्म के नाम के अकॉर्डिंग इसकी स्टोरी कैसे पल पल दिल के पास वो नाम थोड़ा मैच थोड़ा कम हो रहा है कम हो रहा है बट सहर इज वेरी गुड वेरी वेरी गुड क्या सॉन्ग्स ओके एक्शन वॉज ओके बट फर्स्ट हाफ वॉज वेरी गुड I would give 7. No, 7 out of 5. Yeah. 4. Thank you. Awesome movie. The best acting was the actor Karan. His cuteness is awesome in the movie. And by the way, the Zeher was also too good in the movie. And the best song was of the movie Pal Pal Dil Ke Paas. The girl sang at the Manali while doing the camping. Awesome movie. New entry of the hero and heroine both. Awesome director was too good but Sunny Deol was best director matlab we can say it was perfect movie not one time but you can watch it many times awesome songs best song was Pal Pal Dil Ke Paas acha kuch scene tha jahan pe aap stuck se ho gaye while they are camping full tour of the camp it was too catchy but in the movie 5 film awesome thi करण देवल इज ऑसम एंड डिक्टो लाइक सनी देवल स्टोरी टेलिंग की बात करें तो किस तरह से थी कितना बांधे रखी मूवी आपको कितना बांधे रखी मूवी आपको बांधे नहीं लगी क्योंकि लव स्टोरी है फिर ऐसा बीच बीच में जो बोर होता है बोरनेस कभी आया नहीं फिल्म में और उसमें फिल्म में बीच में एक एक्शन सीक्वेंस है करण देवल का
इट्स लाइक डुप्लीकेट ऑफ सनी देओल एंड उसमें एक शाउट करता हूँ, जैसे सनी देओल अपने पिक्चर में शाउट करते थे, सेम साउंड एंड सेम वॉल्यूम साउंड 100%, क्योंकि कट्स एंड ऑल दैट सनी देओल के जैसी है पूरे। मूवी तो धमाकेदार होने वाली है, मूवी का याद नहीं, पर करण देओल धमाकेदार जरूर होने वाले बॉलीवुड में। गाने कैसे लगे आपको? गाने अच्छे, 4.5 अच्छी लगी मुझे मूवी। क्या अच्छी लगी फिल्म? फिल्म में मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि डायरेक्शन काफ़ी अच्छा था। फर्स्ट हाफ में मुझे जो लोकेशन था, जैसे मनाली का लोकेशन लिया हुआ था, काफ़ी अच्छी सिनेमाटोग्राफी थी मूवी की। सनी देओल का जो एक्चुअल पार्ट होता है वो सेकंड हाफ में जो फाइटिंग सीक्वेंसेस है काफ़ी अच्छे हैं। बाद में मूवी में एक अच्छा है, मतलब एक काफ़ी अच्छा फील आता है, फैमिली मूवी टाइप लगती है, बहुत अच्छी लगी। काफ़ी लोग सनी देओल से कंपेयर कर रहे थे, तो मूवी में कितनी झलक दिखी है इसकी? बोल सकते हैं कि फाइटिंग सीक्वेंस में जैसे सनी देओल को देख के लगता है एकदम एंग्री यंग मैन टाइप, वैसा फील आता है एकदम उनको देख के। मूवी की याद दिलाती है सनी देओल की? वैसे तो मैं काफ़ी सीन की मुझे थोड़ी गदर की याद आती है मूवी सेकेंड हाफ मूवी के अंदर, जब वो जो गदर की जो याद दिलाती है, गदर में मतलब फाइटिंग सीक्वेंस जो ट्रेन का सीन आता मुझे याद, तो मतलब ऐसा आवाज़ चिल्लाने के हिसाब से, मतलब वो आवाज़ एकदम सिमिलर लगी मुझे। सॉन्ग्स अच्छे थे मूवी, काफ़ी मुझे काफ़ी अच्छी लगे। एक्टिंग कैसी है? एक्टिंग दोनों एक्टर्स की अच्छी है, डेब्यूटेंट तो बहुत अच्छा एक्टिंग किया है और अच्छी होगी आगे जाके। रोमांस कितना दिखाया गया? रोमांस काफ़ी दिखाया, मतलब बोल सकते हैं कि 2-3 गाने बेस्ड है उसके ऊपर, तो मतलब काफ़ी है, मतलब टाइटल सॉन्ग जो है पल पल दिल के पास, वो भी अच्छा था। क्या आपको अच्छा नहीं लगा फिल्म? क्या अच्छा नहीं लगा कि मूवी थोड़ी लंबी होगी सेकंड हाफ में, बस क्योंकि इतना एक्सपेक्टेड नहीं था कि सेकंड हाफ मूवी इतना खींचेगा, लेकिन वो खींचा मूवी तो करके फिर। अच्छा, मार्क्स देना चाहोगे तो कितना? 5 में कितना? 5 में 3.5। करण तो इज डुप्लीकेट सनी देओल एंड डायरेक्शन इज वेरी गुड एंड वो क्या कहते हैं, करण इतना डिसेंट और इतना अच्छा लग रहा है कि लाइक आई एंजॉयड द मूवी। फर्स्ट हाफ वॉज वेरी गुड, नॉट गुड, वेरी गुड, लाइक माउंटेन सीनरी एंड सो नाइस ही वॉज लुकिंग, इट वॉज वेरी नाइस, बट थोड़ा इंटरवल के बाद थोड़ा नीचे, बट डायरेक्शन इज वेरी वेरी गुड। तो पूरा सनी देओल ही लग रहा है वो तो, एंड वो फादर्स का लव भी दिख रहा है कि द वे ही हैज एक्टेड, इसे हर चीज़ की बारीकी उन्होंने देखी ना सनी देओल, एंड ही इज़ द कार्बन कॉपी ऑफ सनी देओल। फिल्म के नाम के अकॉर्डिंग उसकी स्टोरी कैसे पल पल दिल के पास? वो नाम थोड़ा मैच थोड़ा कम हो रहा है, कम हो रहा है, बट शहर इज वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। क्या सॉन्ग्स? ओके, एक्शन वॉज ओके, बट फर्स्ट हाफ वॉज वेरी गुड। I would to give 7. Not 7, out of 5, yeah. 4. Thank you. Awesome movie. The best acting was the actor Karan. His cuteness is awesome in the movie. And by the way, the Zeher was also too good in the movie. And the best song was of the movie Pal Pal Dil Ke Paas. The girl sang at the Manali while doing the camping. Awesome movie. New entry of the hero and heroine both. Awesome director. Director was too good, but Sunny Deol was best director. मतलब we can say it was perfect movie. Not one time, but you can watch it many times. Awesome songs. Best song was Pal Pal Dil Ke Paas. अच्छा, कोई सीन था जहाँ पे आप स्टंप से हो गए हो? While they are camping, full tour of the camp. It was too catchy, but in the movie. Out of 5. Film awesome थी. करण देओल इज ऑसम एंड डिक्टो लाइक सनी देओल। स्टोरी डिटेलिंग की बात करें तो किस तरह से थी? कितना बांधे रखी मूवी आपको? बांधे नहीं लगी, क्योंकि लव स्टोरी है, फिर ऐसा बीच बीच में जो बोर होता है बोरनेस कभी आया नहीं फिल्म में, और उसमें फिल्म में बीच में एक एक्शन सिक्वेंस है करण देओल का, इट्स लाइक डुप्लीकेट ऑफ सनी देओल एंड उसमें एक शाउट करता हो, जैसे सनी देओल अपने पिक्चर में शाउट करते थे, सेम साउंड एंड सेम वॉल्यूम साउंड 100%, क्योंकि कट्स एंड ऑल दैट सनी देओल के जैसी है पूरे। मूवी तो धमाकेदार होने वाली है, मूवी का याद नहीं, पर करण देओल धमाकेदार जरूर होने वाले बॉलीवुड में। गाने कैसे लगे आपको? गाने अच्छे,
4.5। अच्छी लगी मुझे मूवी। क्या अच्छी लगी फिल्म में? फिल्म में मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि डायरेक्शन काफ़ी अच्छा था। फर्स्ट हाफ में मुझे जो लोकेशन था, जैसे मनाली का लोकेशन लिया हुआ था, काफ़ी अच्छी सिनेमाटोग्राफी थी मूवी की। सनी देओल का जो एक्चुअल पार्ट होता है, वो सेकंड हाफ में जो फाइटिंग सीक्वेंसेस है, काफ़ी अच्छे हैं। बाद में मूवी में एक अच्छा है, मतलब एक काफ़ी अच्छा फील आता है, फैमिली मूवी टाइप लगती है, बहुत अच्छी लगी। काफ़ी लोग तो सनी देओल से कंपेयर कर रहे थे, तो मूवी में कितनी झलक दिखी है इसकी? बोल सकते हैं कि फाइटिंग सीक्वेंस में जैसे सनी देओल को देख के लगता है एकदम एंग्री यंग मैन टाइप, वैसा फील आता है एकदम उनको देख के। किस मूवी की याद दिलाती है सनी देओल की? वैसे तो मैं काफ़ी किसी सीन की मुझे थोड़ी गदर की याद आती है मूवी सेकेंड हाफ। मूवी के अंदर जब वो जो गदर की जो याद दिलाती है, गदर में मतलब फाइटिंग सीक्वेंस ट्रेन का सीन आता मुझे याद, तो मतलब ऐसा आवाज़ चिल्लाने के हिसाब से, मतलब वो आवाज़ एकदम सिमिलर लगी मुझे। सॉन्ग्स अच्छे थे मूवी, काफ़ी मुझे काफ़ी अच्छी लगे। एक्टिंग कैसी है? एक्टिंग दोनों एक्टर्स की अच्छी है, था डेब्यूटेंट तो बहुत अच्छा एक्टिंग किया है और अच्छी होगी आगे जाके। बताएं आप, रोमांस कितना दिखाया गया? रोमांस काफ़ी दिखाया, मतलब बोल सकते हैं कि दो तीन गाने बेस्ड है उसके ऊपर, तो मतलब काफ़ी है, मतलब टाइटल सॉन्ग जो है पल पल दिल के प्यार, वो भी अच्छा था। क्या आपको अच्छा नहीं लगा फिल्म? क्या अच्छा नहीं लगा कि मूवी थोड़ी लंबी होगी सेकंड हाफ में, बस क्योंकि इतना एक्सपेक्टेड नहीं था कि सेकंड हाफ मूवी इतना खींचेगा, लेकिन वो खींचा मूवी तो करके फिर। अच्छा, मार्क्स देना चाहोगे तो कितना, पाँच में कितना? पाँच में 3.5। करण तो इज डुप्लीकेट सनी देओल एंड डायरेक्शन इज वेरी गुड एंड वो क्या कहते हैं, करण इतना डिसेंट और इतना अच्छा लग रहा है कि लाइक आई एंजॉयड द मूवी। फर्स्ट हाफ वॉज वेरी गुड, नॉट गुड, वेरी गुड, लाइक माउंटेन सीनरी एंड सो नाइस ही वॉज लुकिंग, इट वॉज वेरी नाइस, बट थोड़ा इंटरवल के बाद थोड़ा नीचे, बट डायरेक्शन इज वेरी वेरी गुड। तो पूरा सनी देओल ही लग रहा है वो तो, एंड वो फादर्स का लव भी दिख रहा है कि द वे ही हैज एक्टेड, इसे हर चीज़ की बारीकी उन्होंने देखी ना सनी देओल, एंड ही इज द कार्बन कॉपी ऑफ सनी देओल। फिल्म के नाम के अकॉर्डिंग उसकी स्टोरी कैसे पल पल दिल के वो नाम थोड़ा मैच थोड़ा कम हो रहा है, बट सहर इज वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। क्या सॉन्ग्स? ओके, एक्शन वॉज ओके, बट फर्स्ट हाफ वॉज वेरी गुड। I would to give 7 out of 5, yeah. 4. Thank you. Awesome movie. The best acting was the actor Karan. His cuteness is awesome in the movie. And by the way, the Zeher was also too good in the movie. And the best song was of the movie Pal Pal Dil Ke Paas. The girl sang at the Manali while doing the camping. Awesome movie. New entry of the hero and heroine both. Director was too good, but Sunny Deol was best director. Matlab, we can say it was perfect movie. Not one time, but you can watch it many times. Awesome songs. Best song was Pal Pal Dil Ke Paas. While they are camping, full tour of the camp. It was too catchy, but in the movie. 5. Film awesome thi. Karan Deol is awesome and ditto like Sunny Deol. Story telling ki baat kare to kis tarah se thi, kitna bandhe rakhi movie aapko, kitna bandhe rakhi movie aapko? Bandhe nahi lagi kyunki love story hai, fir aisa beech mein jo bore hota boreness kabhi aaya nahi film mein, aur usme film mein beech mein ek action sequence hai Karan Deol ka, इट्स लाइक डुप्लीकेट ऑफ सनी देओल, एंड उसमें एक शाउट करता हो जैसे सनी देओल अपने पिक्चर में शाउट करते थे, सेम साउंड एंड सेम वॉल्यूम साउंड 100%, क्योंकि कट्स एंड ऑल दैट सनी देओल के जैसी है पूरे। मूवी तो धमाकेदार होने वाली है, मूवी का याद नहीं, पर करण देओल धमाकेदार जरूर होने वाले बॉलीवुड में। गाने कैसे लगे आपको? गाने अच्छे, 4.5। अच्छी लगी मुझे मूवी। क्या अच्छी लगी फिल्म में? फिल्म में मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि डायरेक्शन काफ़ी अच्छा था। फर्स्ट हाफ में मुझे जो लोकेशन था, जैसे मनाली का लोकेशन लिया हुआ था, काफ़ी अच्छी सिनेमाटोग्राफी थी मूवी की। सनी देओल का जो एक्चुअल पार्ट होता है, वो सेकेंड हाफ में जो फाइटिंग सीक्वेंसेस है, काफ़ी अच्छे हैं। बाद में मूवी में एक अच्छा है, मतलब एक काफ़ी
अच्छा फील आता है, फैमिली मूवी टाइप लगती है, बहुत अच्छी लगी मुझे। देखो काफी लोग सनी देओल से कंपेयर कर रहे थे, तो मूवी में कितनी झलक दिखी है इसकी? बोल सकते हैं कि फाइटिंग सीक्वेंस में जैसे सनी देओल को देख के लगता है एकदम एंग्री यंग मैन टाइप, वैसा फील आता है एकदम उनको देख के। किसी मूवी की याद दिलाती है सनी देओल की? वैसे तो मैं काफी किसी सीन की मुझे थोड़ी गदर की याद आती है सेकंड हाफ मूवी के अंदर, जब वो जो गदर की जो याद दिलाती है गदर में, मतलब फाइटिंग सीक्वेंस जो ट्रेन का सीन आता मुझे याद, तो मतलब ऐसा आवाज़ चिल्लाने के हिसाब से, मतलब वो आवाज़ एकदम सिमिलर लगी मुझे। सॉन्ग्स अच्छे थे मूवी, काफ़ी मुझे काफ़ी अच्छी लगे। एक्टिंग कैसी है? एक्टिंग दोनों एक्टर्स की अच्छी है, अच्छा डेब्यूटेंट तो बहुत अच्छा एक्टिंग किया है और अच्छी होगी आगे जाके। रोमांस कितना दिखाया गया? रोमांस काफ़ी दिखाया, मतलब बोल सकते हैं कि दो तीन गाने बेस्ड है उसके ऊपर, तो मतलब काफ़ी है, मतलब टाइटल सॉन्ग जो है पल पल दिल के पास, वो भी अच्छा था। क्या आपको अच्छा नहीं लगा फिल्म? क्या अच्छा नहीं लगा कि मूवी थोड़ी लंबी होगी सेकंड हाफ में, बस क्योंकि इतना एक्सपेक्टेड नहीं था कि सेकंड हाफ मूवी इतना खींचेगा, लेकिन वो खींचा मूवी तो करके फिर। अच्छा मार्क्स देना चाहोगे तो कितना, 5 में कितना? 5 में 3.5। करण तो इज डुप्लीकेट सनी देओल एंड डायरेक्शन इज वेरी गुड एंड वो क्या कहते हैं, करण इतना डिसेंट और इतना अच्छा लग रहा है कि लाइक आई एंजॉयड द मूवी। फर्स्ट हाफ वॉज वेरी गुड, नॉट गुड, वेरी गुड, लाइक माउंटेन सीनरी एंड सो नाइस ही वॉज लुकिंग, इट वॉज वेरी नाइस, बट थोड़ा इंटरवल के बाद थोड़ा नीचे, बट डायरेक्शन इज वेरी वेरी गुड। तो पूरा सनी देओल ही लग रहा है वो तो, एंड वो फादर्स का लव भी दिख रहा है कि द वे ही हैज एक्टेड, इसे हर चीज़ की बारीकी उन्होंने देखी ना सनी देओल, एंड ही इज द कार्बन कॉपी ऑफ सनी देओल। फिल्म के नाम के अकॉर्डिंग इसकी स्टोरी कैसे पल पल दिल के पास? वो नाम थोड़ा मैच थोड़ा कम हो रहा है, कम हो रहा है, बट शहर इज वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। क्या सॉन्ग्स? ओके, एक्शन वॉज ओके, बट फर्स्ट हाफ वॉज वेरी गुड। I would give 7. No, 7 out of 5. Yeah. 4. Thank you. Awesome movie. The best acting was the actor Karan. His cuteness is awesome in the movie. And by the way, the Zeher was also too good in the movie. And the best song was of the movie Pal Pal Dil Ke Paas. The girl sang at the Manali while doing the camping. Awesome movie. New entry of the hero and heroine both. Awesome director was too good, but Sunny Deol was best director, matlab we can say it was perfect movie, not one time but you can watch it many times. Awesome songs, best song was Pal Pal Dil Ke Paas. Acha kuch scene tha jahan pe aap stuck se ho gaye ho, while they camping, full tour of the camp, it was too catchy, but in the movie 5. Film awesome thi. करण देओल इज ऑसम एंड डिक्टो लाइक सनी देओल। स्टोरी टेलिंग की बात करें तो किस तरह से थी? कितना बांधे रखी मूवी आपको? बांधे नहीं लगी क्योंकि लव स्टोरी है, फिर ऐसा बीच बीच में जो बोर होता है बोरनेस कभी आया नहीं फिल्म में, और उसमें फिल्म में बीच में एक एक्शन सीक्वेंस है करण देओल का, इट्स लाइक डुप्लीकेट ऑफ सनी देओल, एंड उसमें एक शाउट करता हो जैसे सनी देओल अपने पिक्चर में शाउट करते थे, सेम साउंड एंड सेम वॉल्यूम साउंड 100%, क्योंकि कट्स एंड ऑल दैट सनी देओल के जैसी है पूरे। मूवी तो धमाकेदार होने वाली है, मूवी का याद नहीं, पर करण देओल धमाकेदार जरूर होने वाले बॉलीवुड में। गाने कैसे लगे आपको? गाने अच्छे, 4.5। अच्छी लगी मुझे मूवी। क्या अच्छी लगी फिल्म? फिल्म में मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि डायरेक्शन काफ़ी अच्छा था। फर्स्ट हाफ में मुझे जो लोकेशन था जैसे मनाली का लोकेशन लिया हुआ था, काफ़ी अच्छी सिनेमाटोग्राफी थी मूवी की। सनी देओल ने डायरेक्ट किया है? सनी देओल का जो एक्चुअल पार्ट होता है वो सेकंड हाफ में जो फाइटिंग सीक्वेंसेस है काफ़ी अच्छे हैं, बाद में मूवी में एक अच्छा है, मतलब एक काफ़ी अच्छा फील आता है, फैमिली मूवी टाइप लगती है, बहुत अच्छी लगी। काफ़ी लोग सनी देओल से कंपेयर कर रहे थे, तो मूवी में कितनी झलक दिखी है इसकी? बोल सकते हैं कि फाइटिंग सीक्वेंस में जैसे सनी देओल को देख के लगता है एकदम एंग्री यंग मैन टाइप, वैसा फील आता है एकदम उनको देख के। किसी मूवी की याद दिलाती है सनी देओल की? वैसे तो मैं काफ़ी किसी सीन की मुझे थोड़ी गदर की याद आती है मूवी सेकंड हाफ मूवी के अंदर, जब वो जो गदर की जो याद दिलाती है
गदर में मतलब फाइटिंग सीक्वेंस ट्रेन का सीन आता मुझे याद, तो मतलब ऐसा आवाज़ चिल्लाने के हिसाब से मतलब वो आवाज़ एकदम सिमिलर लगी मुझे। सॉन्ग्स अच्छे थे मूवी काफ़ी, मुझे काफ़ी अच्छी लगे। एक्टिंग दोनों एक्टर्स की अच्छी है, डेब्यूटेंट तो बहुत अच्छा एक्टिंग किया है और अच्छी होगी आगे जाके। रोमांस कितना दिखाया गया? रोमांस काफ़ी दिखाया, मतलब बोल सकते हैं कि दो तीन गाने बेस्ड है उसके ऊपर, तो मतलब काफ़ी है मतलब। वो टाइटल सॉन्ग जो है पल पल दिल के प्यार, वो भी अच्छा था। क्या आपको अच्छा नहीं लगा फिल्म? क्या अच्छा नहीं लगा कि मूवी थोड़ी लंबी होगी सेकंड हाफ में, बस क्योंकि इतना एक्सपेक्टेड नहीं था कि सेकंड हाफ मूवी इतना खींचेगा, लेकिन वो खींचा मूवी तो करके फिर। अच्छा मार्क्स देना चाहोगे तो कितना, पाँच में कितना? पाँच में 3.5। करण तो इज डुप्लीकेट सनी देओल एंड डायरेक्शन इज वेरी गुड एंड वो क्या कहते हैं, करण इतना डिसेंट और इतना अच्छा लग रहा है कि लाइक आई एंजॉयड द मूवी। फर्स्ट हाफ वॉज वेरी गुड, नॉट गुड, वेरी गुड, लाइक माउंटेन सीनरी एंड सो नाइस ही वॉज लुकिंग, इट वॉज वेरी नाइस, बट थोड़ा इंटरवल के बाद थोड़ा नीचे, बट डायरेक्शन इज वेरी वेरी गुड। तो पूरा सनी देओल ही लग रहा है वो तो। इन फादर्स का लव भी दिख रहा है कि द वे ही हैज एक्टेड, इसे हर चीज़ की बारीकी उन्होंने देखी ना सनी देओल, एंड ही इज़ द कार्बन कॉपी ऑफ सनी देओल। फिल्म के नाम के अकॉर्डिंग इसकी स्टोरी कैसे पल पल दिल के पास? वो नाम थोड़ा मैच थोड़ा कम हो रहा है, कम हो रहा है, बट शहर इज वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। क्या सॉन्ग्स? ओके, एक्शन वॉज ओके, बट फर्स्ट हाफ वॉज वेरी गुड। I would to give 7. no, sorry, 7 out of 5? Yeah. 4. Thank you. Awesome movie. The best acting was the actor, Karan. His cuteness is awesome in the movie. And by the way, the Zeher was also too good in the movie. And the best song was of the movie Pal Pal Dil Ke Paas. The girl sang at the Manali while doing the camping. Awesome movie. New entry of the hero and heroine both. Awesome director was too good, but Sunny Deol was best director, matlab we can say it was perfect movie, not one time but you can watch it many times. Awesome songs, best song was Pal Pal Dil Ke Paas. Acha kuch scene tha jahan pe aap stuck se ho gaye, wo while they camping, full tour of the camp, it was too catchy but in the movie. What of how many stars? 5. Film awesome thi. करण देओल कैसे थे? करण देओल इज ऑसम एंड डिक्टो लाइक सनी देओल। स्टोरी टेलिंग की बात करें तो किस तरह से थी? कितना बांधे रखी मूवी आपको? बांधे नहीं लगी क्योंकि लव स्टोरी है, फिर ऐसा बीच बीच में जो बोर होता बोरनेस कभी आया नहीं फिल्म में, और उसमें फिल्म में बीच में एक एक्शन सिक्वेंस है करण देओल का, इट्स लाइक डुप्लीकेट ऑफ सनी देओल, एंड उसमें एक शाउट करता हो जैसे सनी देओल अपने पिक्चर में शाउट करते थे, सेम साउंड एंड सेम वॉल्यूम साउंड 100%, क्योंकि कट्स एंड ऑल दैट सनी देओल के जैसी है पूरे। मूवी तो धमाकेदार होने वाली है, मूवी का याद नहीं, पर करण देओल धमाकेदार जरूर होने वाले बॉलीवुड में। गाने कैसे लगे आपको? गाने अच्छे, 4.5। अच्छी लगी मुझे मूवी। क्या अच्छी लगी फिल्म में? फिल्म में मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि डायरेक्शन काफ़ी अच्छा था। फर्स्ट हाफ में मुझे जो लोकेशन था जैसे मनाली का लोकेशन लिया हुआ था, काफ़ी अच्छी सिनेमाटोग्राफी थी मूवी की। सनी देओल का जो एक्चुअल पार्ट होता है वो सेकंड हाफ में जो फाइटिंग सीक्वेंसेस है काफ़ी अच्छे हैं, बाद में मूवी में एक अच्छा है मतलब एक काफ़ी अच्छा फील आता है, फैमिली मूवी टाइप लगती है, बहुत अच्छी लगी। काफ़ी लोग सनी देओल से कंपेयर कर रहे थे, तो मूवी में कितनी झलक दिखी है इसकी? बोल सकते हैं कि फाइटिंग सीक्वेंस में जैसे सनी देओल को देख के लगता है एकदम एंग्री यंग मैन टाइप, वैसा फील आता है एकदम उनको देख के। मूवी की याद दिलाती है सनी देओल की? वैसे तो मैं काफ़ी किसी सीन की मुझे थोड़ी गदर की याद आती है सेकंड हाफ मूवी के अंदर, जब वो जो गदर की जो याद गदर में मतलब फाइटिंग सीक्वेंस ट्रेन का सीन आता मुझे याद, तो मतलब ऐसा आवाज़ चिल्लाने के हिसाब से मतलब वो आवाज़ एकदम सिमिलर लगी मुझे। सॉन्ग्स अच्छे थे मूवी काफ़ी, मुझे काफ़ी अच्छी लगे। एक्टिंग दोनों एक्टर्स की अच्छी है, डेब्यूटेंट तो बहुत अच्छा एक्टिंग किया है और अच्छी होगी आगे जाके। बताएं आप, रोमांस कितना दिखाया गया? रोमांस काफ़ी दिखाया, मतलब बोल सकते हैं कि दो तीन गाने बेस्ड है उसके ऊपर, तो मतलब काफ़ी है मतलब। टाइटल सॉन्ग जो है पल पल दिल के प्यार, वो भी अच्छा था।
क्या आपको अच्छा नहीं लगा फिल्म? क्या अच्छा नहीं लगा कि मूवी थोड़ी लंबी होगी सेकंड हाफ में, बस क्योंकि इतना एक्सपेक्टेड नहीं था कि सेकंड हाफ मूवी इतना खींचेगा, लेकिन वो खींचा मूवी तो करके फिर। अच्छा मार्क्स देना चाहोगे तो कितना, 5 में कितना? 5 में 3.5। करण तो इज डुप्लीकेट सनी देओल एंड डायरेक्शन इज वेरी गुड एंड वो क्या कहते हैं, करण इतना डिसेंट और इतना अच्छा लग रहा है कि लाइक आई एंजॉयड द मूवी। फर्स्ट हाफ वॉज वेरी गुड, नॉट गुड, वेरी गुड, लाइक माउंटेन सीनरी एंड सो नाइस ही वॉज लुकिंग, इट वॉज वेरी नाइस, बट थोड़ा इंटरवल के बाद थोड़ा नीचे, बट डायरेक्शन इज वेरी वेरी गुड। तो पूरा सनी देओल ही लग रहा है वो तो, एंड वो फादर्स का लव भी दिख रहा है कि द वे ही हैज एक्टेड, इसे हर चीज़ की बारीकी उन्होंने देखी ना सनी देओल, एंड ही इज द कार्बन कॉपी ऑफ सनी देओल। फिल्म के नाम के अकॉर्डिंग इसकी स्टोरी कैसे पल पल दिल के पास? वो नाम थोड़ा मैच थोड़ा कम हो रहा है, कम हो रहा है, बट सहर इज वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। क्या सॉन्ग्स? ओके, एक्शन वॉज ओके, बट फर्स्ट हाफ वॉज वेरी गुड। I would to give 7. no, sorry, 7 out of 5. Yeah. 4. Thank you. Awesome movie. The best acting was the actor Karan. His cuteness is awesome in the movie. And by the way, the Zeher was also too good in the movie. And the best song was of the movie Palpal Dil Ke Paas. The girl sang at the Manali while doing the camping. Awesome movie. New entry of the hero and heroine both. Awesome director was too good, but Sunny Deol was best director. Matlab, we can say it was perfect movie. Not one time watch, you can watch it many times. Awesome songs. Best song was Palpal Dil Ke Paas. While they are camping, full tour of the camp. It was too catchy, but in the movie. 5. Film awesome thi. Karan Deol is awesome and ditto like Sunny Deol. Story telling ki baat kare to kis tarah se thi, kitna bandhe rakhi movie aapko, kitna bandhe rakhi movie aapko? Bandhe nahi lagi kyunki love story hai, fir aisa beech mein jo bore hota boreness kabhi aaya nahi film mein, aur usme film mein beech mein ek action sequence hai Karan Deol ka, it's like duplicate of Sunny Deol and usme ek shout karta ho jaise Sunny Deol apne picture mein shout karte the, same sound and same volume sound 100%, क्योंकि कट्स एंड ऑल दैट सनी देओल के जैसी है पूरे। मूवी तो धमाकेदार होने वाली है, मूवी का याद नहीं, पर करण देओल धमाकेदार जरूर होने वाले बॉलीवुड में। गाने कैसे लगे आपको? गाने अच्छे, 4.5। अच्छी लगी मुझे मूवी। क्या अच्छी लगी फिल्म? फिल्म में मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि डायरेक्शन काफ़ी अच्छा था। फर्स्ट हाफ में मुझे जो लोकेशन था, जैसे मनाली का लोकेशन लिया हुआ था, काफ़ी अच्छी सिनेमाटोग्राफी थी मूवी की। सनी देओल का जो एक्चुअल पार्ट होता है वो सेकंड हाफ में जो फाइटिंग सीक्वेंसेस है काफ़ी अच्छे हैं, बाद में मूवी में एक अच्छा है, मतलब एक काफ़ी अच्छा फील आता है, फैमिली मूवी टाइप लगती है, बहुत अच्छी लगी। काफ़ी लोग सनी देओल से कंपेयर कर रहे थे, तो मूवी में कितनी झलक दिखी है इसकी? बोल सकते हैं कि फाइटिंग सीक्वेंस में जैसे सनी देओल को देख के लगता है एकदम एंग्री यंग मैन टाइप, वैसा फील आता है एकदम उनको देख के। मूवी की याद दिलाती है सनी देओल की? मुझे थोड़ी गदर की याद आती है सेकंड हाफ मूवी के अंदर, जब वो जो गदर की जो याद दिलाती है, गदर में मतलब फाइटिंग सीक्वेंस ट्रेन का सीन आता मुझे याद, तो मतलब ऐसा आवाज चिल्लाने के हिसाब से, मतलब वो आवाज एकदम सिमिलर लगी मुझे। सॉन्ग्स अच्छे थे मूवी, काफी मुझे काफी अच्छी लगे। एक्टिंग दोनों एक्टर्स की अच्छी है, डेब्यूटेंट तो बहुत अच्छा एक्टिंग किया है और अच्छी होगी आगे जाके। बताएं आप, रोमांस कितना दिखाया गया फिल्म? रोमांस काफ़ी दिखाया, मतलब बोल सकते हैं कि 2-3 गाने बेस्ड है उसके ऊपर, तो मतलब काफ़ी है, मतलब वो टाइटल सॉन्ग जो है पल पल दिल के पास, वो भी अच्छा था। अच्छा, क्या आपको अच्छा नहीं लगा फिल्म? क्या अच्छा नहीं लगा कि मूवी थोड़ी लंबी होगी सेकंड हाफ में, बस क्योंकि इतना एक्सपेक्टेड नहीं था कि सेकंड हाफ मूवी इतना खींचेगा, लेकिन वो खींचा मूवी तो करके फिर। अच्छा मार्क्स देना चाहोगे तो कितना, 5 में कितना? 5 में 3.5। करण तो इज डुप्लीकेट सनी देओल एंड डायरेक्शन इज वेरी गुड
एंड वो क्या कहते हैं करण इतना डिसेंट और इतना अच्छा लग रहा है कि लाइक आई एंजॉयड द मूवी. फर्स्ट हाफ वॉज वेरी गुड, नॉट गुड, वेरी गुड. लाइक माउंटेन सीनरी एंड सो नाइस ही वॉज लुकिंग, इट वॉज वेरी नाइस. बट थोड़ा इंटरवल के बाद थोड़ा नीचे, बट डायरेक्शन इज वेरी वेरी गुड. तो पूरा सनी देओल ही लग रहा है वो तो. एंड वो फादर्स का लव भी दिख रहा है कि द वे ही हैज एक्टेड, इसे हर हर चीज की बारीकी उन्होंने देखी ना सनी देओल. एंड ही इज द कार्बन कॉपी ऑफ सनी देओल. फिल्म के नाम के अकॉर्डिंग इसकी स्टोरी कैसे पल पल दिल के पास, वो नाम थोड़ा मैच थोड़ा कम हो रहा है, कम हो रहा है. बट शहर इज वेरी गुड, वेरी वेरी गुड. क्या सॉन्ग्स ओके, एक्शन वॉज ओके, बट फर्स्ट हाफ वॉज वेरी गुड. I would to give 7. not 7, out of 5, yeah. 4. Thank you. Awesome movie. The best acting was the actor, Karan. His cuteness is awesome in the movie. And by the way, the Zeher was also too good in the movie. And the best song was of the movie Palpal Dil Ke Paas. The girl sang at the Manali while doing the camping. Awesome movie. New entry of the hero and heroine, both. Awesome director. Director was too good, but Sunny Deol was best director. मतलब we can say it was perfect movie. Not one time, but you can watch it many many times. Awesome songs. Best song was Pal Pal Dil Ke Paas. While they're camping, full tour of the camp. It was too catchy, but in the movie. 5. Film awesome thi. Karan Deol is awesome and dicto like Sunny Deol. Story telling ki baat kare to kis tarah se thi, kitne bande rakhe movie aapko, kitna bande rakhi movie aapko? Bande nahi lagi kyunki love story hai, fir aisa beech beech mein jo bore hota boreness kabhi aaya nahi film mein. Aur usme film mein beech mein ek action sequence hai Karan Deol ka, it's like duplicate of Sunny Deol. And usme ek shout karta ho jaise Sunny Deol apne picture mein shout karte the, same sound and same volume sound. 100% क्योंकि कट्स एंड ऑल दैट सनी देओल के जैसी है पूरे. मूवी तो धमाकेदार होने वाली है, मूवी का याद नहीं, पर करण देओल धमाकेदार जरूर होने वाले बॉलीवुड में. गाने कैसे लगे आपको? गाने अच्छे, 4.5. अच्छी लगी मुझे मूवी. क्या अच्छी लगी फिल्म? फिल्म में मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि डायरेक्शन काफ़ी अच्छा था. फर्स्ट हाफ में मुझे जो लोकेशन था, जैसे मनाली का लोकेशन लिया हुआ था, काफ़ी अच्छी सिनेमाटोग्राफी थी मूवी की. सनी देओल का जो एक्चुअल पार्ट होता है, वो सेकंड हाफ में जो फाइटिंग सीक्वेंसेस है काफ़ी अच्छे हैं. बाद में मूवी में एक अच्छा है, मतलब एक काफ़ी अच्छा फील आता है, फैमिली मूवी टाइप लगती है, बहुत अच्छी लगी. काफ़ी लोग सनी देओल से कंपेयर कर रहे थे, तो मूवी में कितनी झलक दिखी है इसकी? बोल सकते हैं कि फाइटिंग सीक्वेंस में जैसे सनी देओल को देख के लगता है एकदम एंग्री यंग मैन टाइप, वैसा फील आता है एकदम उनको देख के. मूवी की याद दिलाती है सनी देओल की? मतलब मैं काफ़ी किसी सीन की, मुझे थोड़ी गदर की याद आती है मूवी सेकंड हाफ. मूवी के अंदर जब वो जो गदर की जो याद दिलाती है, गदर में मतलब फाइटिंग सीक्वेंस ट्रेन का सीन आता मुझे याद, तो मतलब ऐसा आवाज़ चिल्लाने के हिसाब से, मतलब वो आवाज़ एकदम सिमिलर लगी मुझे. सॉन्ग्स अच्छे थे मूवी, काफ़ी मुझे काफ़ी अच्छी लगे. एक्टिंग कैसी है? एक्टिंग दोनों एक्टर्स की अच्छी है. सर डेब्यूटेंट तो बहुत अच्छा एक्टिंग किया है और अच्छी होगी आगे जाके. तो बताएं आप, रोमांस कितना दिखाया गया फिल्म? रोमांस काफ़ी दिखाया, मतलब बोल सकते हैं कि 2-3 गाने बेस्ड है उसके ऊपर, तो मतलब काफ़ी है. मतलब वो टाइटल सॉन्ग जो है पल पल दिल के पास, वो भी अच्छा था. अच्छा, क्या आपको अच्छा नहीं लगा फिल्म? क्या अच्छा नहीं लगा कि मूवी थोड़ी लंबी होगी सेकेंड हाफ में, बस क्योंकि इतना एक्सपेक्टेड नहीं था कि सेकेंड हाफ मूवी इतना खींचेगा, लेकिन वो खींचा मूवी तो करके फिर. अच्छा, मार्क्स देना चाहोगे तो कितना? 5 में कितना? 5 में 3.5. करण तो इज डुप्लीकेट सनी देओल एंड डायरेक्शन इज वेरी गुड. एंड वो क्या कहते हैं करण इतना डिसेंट और इतना अच्छा लग रहा है कि लाइक आई एंजॉयड द मूवी. फर्स्ट हाफ वॉज वेरी गुड, नॉट गुड, वेरी गुड. लाइक माउंटेन सीनरी एंड सो नाइस ही वॉज लुकिंग, इट वॉज वेरी नाइस. बट थोड़ा इंटरवल के बाद थोड़ा नीचे, बट डायरेक्शन इज वेरी वेरी गुड. तो पूरा सनी देओल ही लग रहा है वो तो. एंड वो फादर्स का लव भी दिख रहा है कि द वे ही हैज एक्टेड,
इसे हर हर चीज की बारीकी उन्होंने देखी ना सनी देओल, एंड ही इज द कार्बन कॉपी ऑफ सनी देओल। फिल्म के नाम के अकॉर्डिंग इसकी स्टोरी कैसे पल पल दिल के पास? वो नाम थोड़ा मैच थोड़ा कम हो रहा है, कम हो रहा है, बट शहर इज वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। क्या सॉन्ग्स? ओके, एक्शन वॉज ओके, बट फर्स्ट हाफ वॉज वेरी गुड। I would to give 7. No, sir, 7 out of 5. Yeah. 4. Thank you. Awesome movie. The best acting was the actor Karan. His cuteness is awesome in the movie. And by the way, the Zeher was also too good in the movie. And the best song was of the movie Palpal Dil Ke Paas. The girl sang at the Manali while doing the camping. Awesome movie. New entry of the hero and heroine both. Director was too good, but Sunny Deol was best director. Matlab, we can say it was perfect movie. Not one time, but you can watch it many, many times. Awesome songs. Best song was Pal Pal Dil Ke Paas. While they're camping, full tour of the camp. It was too catchy, but in the movie. 5. Film awesome thi. Karan Deol is awesome and Dicto like Sunny Deol. Story retelling ke baat kare to kis tarah se thi, kitne bande rakhi movie aapko, kitna bande rakhi movie aapko? Bande nahi lagi kyunki love story hai, fir aisa beech beech mein jo bore hota boreness kabhi aaya nahi film mein, aur usme film mein beech mein ek action sequence hai Karan Deol ka, it's like duplicate of Sunny Deol, and usme ek shout karta ho jaise Sunny Deol apne picture mein shout karte the, same sound and same volume sound. 100% क्योंकि कट्स एंड ऑल दैट सनी देओल के जैसी है पूरे। मूवी तो धमाकेदार होने वाली है, मूवी का याद नहीं, पर करण देओल धमाकेदार जरूर होने वाले बॉलीवुड में। गाने कैसे लगे आपको? गाने अच्छे, 4.5 अच्छी लगी मुझे मूवी। क्या अच्छी लगी फिल्म? फिल्म में मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि डायरेक्शन काफ़ी अच्छा था। फर्स्ट हाफ में मुझे जो लोकेशन था, जैसे मनाली का लोकेशन लिया हुआ था, काफ़ी अच्छी सिनेमाटोग्राफी थी मूवी की। सनी देओल का जो एक्चुअल पार्ट होता है वो सेकंड हाफ में जो फाइटिंग सीक्वेंसेस है काफ़ी अच्छे हैं। बाद में मूवी में एक अच्छा है, मतलब एक काफ़ी अच्छा फील आता है, फैमिली मूवी टाइप लगती है, बहुत अच्छी लगी। काफ़ी लोग सनी देओल से कंपेयर कर रहे थे, तो मूवी में कितनी झलक दिखी है इसकी? बोल सकते हैं कि फाइटिंग सीक्वेंस में जैसे सनी देओल को देख के लगता है एकदम एंग्री यंग मैन टाइप, वैसा फील आता है एकदम उनको देख के। मूवी की याद दिलाती है सनी देओल की? मतलब मैं काफ़ी किसी सीन की, मुझे थोड़ी गदर की याद आती है सेकंड हाफ मूवी के अंदर, जब वो जो गदर की जो याद दिलाती है गदर में, मतलब फाइटिंग सीक्वेंस ट्रेन का सीन आता मुझे याद, तो मतलब ऐसा आवाज़ चिल्लाने के हिसाब से, मतलब वो आवाज़ एकदम सिमिलर लगी मुझे। सॉन्ग्स अच्छे थे मूवी, काफ़ी मुझे काफ़ी अच्छी लगे। एक्टिंग दोनों एक्टर्स की अच्छी है, डेब्यूटेंट ने बहुत अच्छा एक्टिंग किया है और अच्छी होगी आगे जाके। बताएं आप, रोमांस कितना दिखाया गया? रोमांस काफ़ी दिखाया, मतलब बोल सकते हैं कि 2-3 गाने बेस्ड है उसके ऊपर, तो मतलब काफ़ी है, मतलब वो टाइटल सॉन्ग जो है पल पल दिल के पास, वो भी अच्छा था। क्या आपको अच्छा नहीं लगा फिल्म? क्या अच्छा नहीं लगा कि मूवी थोड़ी लंबी होगी सेकंड हाफ में, बस क्योंकि इतना एक्सपेक्टेड नहीं था कि सेकंड हाफ मूवी इतना खींचेगा, लेकिन वो खींचा मूवी तो करके फिर। अच्छा, मार्क्स देना चाहोगे तो कितना? 5 में कितना? 5 में 3.5। करण तो इज डुप्लीकेट सनी देओल एंड डायरेक्शन इज वेरी गुड, एंड वो क्या कहते हैं, करण इतना डिसेंट और इतना अच्छा लग रहा है कि लाइक आई एंजॉयड द मूवी। फर्स्ट हाफ वॉज वेरी गुड, नॉट गुड, वेरी गुड, लाइक माउंटेन सीनरी एंड सो नाइस ही वॉज लुकिंग, इट वॉज वेरी नाइस, बट थोड़ा इंटरवल के बाद थोड़ा नीचे, बट डायरेक्शन इज वेरी वेरी गुड। तो पूरा सनी देओल ही लग रहा है वो तो, एंड वो फादर्स का लव भी दिख रहा है कि द वे ही हैज एक्टेड, इसे हर हर चीज की बारीकी उन्होंने देखी ना सनी देओल, एंड ही इज द कार्बन कॉपी ऑफ सनी देओल। फिल्म के नाम के अकॉर्डिंग इसकी स्टोरी कैसे पल पल दिल के पास? वो नाम थोड़ा मैच थोड़ा कम हो रहा है, कम हो रहा है, बट शहर इज वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। क्या सॉन्ग्स? ओके, एक्शन वॉज ओके, बट फर्स्ट हाफ वॉज वेरी गुड।
I would to give 7. Out of 5, 4. Thank you. Awesome movie. The best acting was the actor Karan. His cuteness is awesome in the movie. And by the way, the Zeher was also too good in the movie. And the best song was of the movie Palpal Dil Ke Paas. The girl sang at the Manali while doing the camping. Awesome movie. New entry of the hero and heroine both. Director was too good, but Sunny Deol was best director. Matlab, we can say it was perfect movie. Not one time, but you can watch it many times. Awesome songs. Best song was Palpal Dil Ke Paas. While they are camping, full tour of the camp. It was too catchy, but in the movie. 5. Film awesome thi. Karan Deol is awesome. And dicto like Sunny Deol. Story telling ke baat kare to kis tarah se thi, kitne bande rakhe movie aapko, kitna bande rakhi movie aapko? Bande nahi lagi kyunki love story hai, fir aisa beech mein jo bore hota boreness kabhi aaya nahi film mein, aur usme film mein beech mein ek action sequence hai Karan Deol ka. It's like duplicate of Sunny Deol and usme ek shout karta ho, jaise Sunny Deol apne picture mein shout karte the, same sound and same volume sound. 100% क्योंकि कट्स एंड ऑल दैट सनी देओल के जैसी है पूरे. मूवी तो धमाकेदार होने वाली है, मूवी का याद नहीं, पर करण देओल धमाकेदार जरूर होने वाले बॉलीवुड में. गाने कैसे लगे आपको? गाने अच्छे. 4.5. अच्छी लगी मुझे मूवी. क्या अच्छी लगी फिल्म? फिल्म में मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि डायरेक्शन काफ़ी अच्छा था. फर्स्ट हाफ में मुझे जो लोकेशन था, जैसे मनाली का लोकेशन लिया हुआ था, काफ़ी अच्छी सिनेमाटोग्राफी थी मूवी की. सनी देओल का जो एक्चुअल पार्ट होता है वो सेकंड हाफ में जो फाइटिंग सीक्वेंसेस है काफ़ी अच्छे हैं. बाद में मूवी में एक अच्छा है, मतलब एक काफ़ी अच्छा फील आता है, फैमिली मूवी टाइप लगती है, बहुत अच्छी लगी. काफ़ी लोग सनी देओल से कंपेयर कर रहे थे, तो मूवी में कितनी झलक दिखी है इसकी? बोल सकते हैं कि फाइटिंग सीक्वेंस में जैसे सनी देओल को देख के लगता है एकदम एंग्री यंग मैन टाइप, वैसा फील आता है एकदम उनको देख के. मूवी की याद दिलाती है सनी देओल की? वैसे तो मैं काफ़ी सीन की मुझे थोड़ी गदर की याद आती है सेकंड हाफ मूवी के अंदर, जब वो जो गदर की जो याद दिलाती है गदर में, मतलब फाइटिंग सीक्वेंस जो ट्रेन का सीन आता मुझे याद, तो मतलब ऐसा आवाज़ चिल्लाने के हिसाब से, मतलब वो आवाज़ एकदम सिमिलर लगी मुझे. सॉन्ग्स अच्छे थे मूवी, काफ़ी मुझे काफ़ी अच्छी लगे. एक्टिंग दोनों एक्टर्स की अच्छी है, डेब्यूटेंट तो बहुत अच्छा एक्टिंग किया है और अच्छी होगी आगे जाके. रोमांस कितना दिखाया गया फिल्म? रोमांस काफ़ी दिखाया, मतलब बोल सकते हैं कि 2-3 गाने बेस्ड है उसके ऊपर, तो मतलब काफ़ी है, मतलब वो टाइटल सॉन्ग जो है पल पल दिल के पास, वो भी अच्छा था. अच्छा, क्या आपको अच्छा नहीं लगा फिल्म? क्या अच्छा नहीं लगा कि मूवी थोड़ी लंबी होगी सेकंड हाफ में, बस क्योंकि इतना एक्सपेक्टेड नहीं था कि सेकंड हाफ मूवी इतना खींचेगा, लेकिन वो खींचा मूवी तो करके फिर. अच्छा, मार्क्स देना चाहोगे तो कितना? 5 में कितना? 5 में 3.5. करण तो इज डुप्लीकेट सनी देओल एंड डायरेक्शन इज वेरी गुड एंड वो क्या कहते हैं, करण इतना डिसेंट और इतना अच्छा लग रहा है कि लाइक आई एंजॉयड द मूवी. फर्स्ट हाफ वॉज वेरी गुड, नॉट गुड, वेरी गुड, लाइक माउंटेन सीनरी एंड सो नाइस ही वॉज लुकिंग, इट वॉज वेरी नाइस. बट थोड़ा इंटरवल के बाद थोड़ा नीचे, बट डायरेक्शन इज वेरी वेरी गुड. तो पूरा सनी देओल ही लग रहा है वो तो. एंड वो फादर्स का लव भी दिख रहा है कि द वे ही हैज एक्टेड, इसे हर चीज़ की बारीकी उन्होंने देखी ना सनी देओल, एंड ही इज़ द कार्बन कॉपी ऑफ सनी देओल. फिल्म के नाम के अकॉर्डिंग उसकी स्टोरी कैसे पल पल दिल के पास? वो नाम थोड़ा मैच थोड़ा कम हो रहा है, कम हो रहा है, बट सहर इज वेरी गुड, वेरी वेरी गुड. क्या सॉन्ग्स? ओके, एक्शन वॉज ओके, बट फर्स्ट हाफ वॉज वेरी गुड. आई वुड टू गिव 7 out of 5, 4. थैंक यू. Awesome मूवी. द बेस्ट एक्टिंग वॉज द एक्टर करण. हिज क्यूटनेस इज ऑसम इन द मूवी. एंड बाय द वे द जहर वॉज ऑल्सो टू गुड इन द मूवी. एंड द बेस्ट सॉन्ग वॉज ऑफ द मूवी पलपल दिल के पास. The girl sang at the Manali while doing the camping. Awesome movie. New entry of the hero and heroine both.
ऑसम डायरेक्टर, डायरेक्टर वॉज टू गुड बट सनी देओल वॉज बेस्ट डायरेक्टर. मतलब वी कैन से इट वॉज परफेक्ट मूवी. नॉट वन टाइम वॉज यू कैन वॉच इट मैनी मैनी टाइम्स. ऑसम सॉन्ग्स. बेस्ट सॉन्ग वॉज पलपल दिल के पास. वेल द कैंपिंग फुल टूर ऑफ द कैंप. इट वॉज टू कैची बट इन द मूवी. फाइव. फिल्म ऑसम थी. करण देओल इज ऑसम एंड डिक्टो लाइक सनी देओल. बांधे नहीं लगी क्योंकि लव स्टोरी है. फिर ऐसा बीच बीच में जो बोर होता बोरनेस कभी आया नहीं फिल्म में. और उसमें फिल्म में बीच में एक एक्शन सीक्वेंस है करण देओल का. इट्स लाइक डुप्लीकेट ऑफ सनी देओल. एंड उसमें एक शाउट करता हो जैसे सनी देओल अपने पिक्चर में शाउट करते थे. सेम साउंड एंड सेम वॉल्यूम साउंड 100% क्योंकि कट्स एंड ऑल दैट सनी देओल के जैसी है पूरे. मूवी तो धमाकेदार होने वाली है. मूवी का याद नहीं पर करण देओल धमाकेदार जरूर होने वाले बॉलीवुड में. गाने कैसे लगे आपको? गाने अच्छे. 4.5. अच्छी लगी मुझे मूवी. क्या अच्छी लगी फिल्म में? फिल्म में मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि डायरेक्शन काफ़ी अच्छा था. फर्स्ट हाफ में मुझे जो लोकेशन था जैसे मनाली का लोकेशन लिया हुआ था. काफ़ी अच्छी सिनेमाटोग्राफी थी मूवी की. सनी देओल का जो एक्चुअल पार्ट होता है वो सेकंड हाफ में जो फाइटिंग सीक्वेंसेस है काफ़ी अच्छे हैं. बाद में मूवी में एक अच्छा है मतलब एक काफ़ी अच्छा फील आता है. फैमिली मूवी टाइप लगती है. बहुत अच्छी लगी मुझे. काफ़ी लोग सनी देओल से कंपेयर कर रहे थे तो मूवी में कितनी झलक दिखी है इसकी? बोल सकते हैं कि फाइटिंग सीक्वेंस में जैसे सनी देओल को देख के लगता है एकदम एंग्री यंग मैन टाइप वैसा फील आता है एकदम उनको देख के. किस मूवी की याद दिलाती है सनी देओल की? वैसे तो मैं काफ़ी किसी सीन की मुझे थोड़ी गदर की याद आती है मूवी सेकंड हाफ मूवी के अंदर. जब वो जो गदर की जो याद दिलाती है गदर में मतलब फाइटिंग सीक्वेंस ट्रेन का सीन आता मुझे याद. तो मतलब ऐसा आवाज़ चिल्लाने के हिसाब से मतलब वो आवाज़ एकदम सिमिलर लगी मुझे. सॉन्ग्स अच्छे थे मूवी काफ़ी. मुझे काफ़ी अच्छी लगे. एक्टिंग कैसी है? एक्टिंग दोनों एक्टर्स की अच्छी है. अच्छा डेब्यूटेंट तो बहुत अच्छा एक्टिंग किया है और अच्छी होगी आगे जाके. बताएं आप रोमांस कितना दिखाया गया? रोमांस काफ़ी दिखाया मतलब बोल सकते हैं कि दो तीन गाने बेस्ड है उसके ऊपर. तो मतलब काफ़ी है मतलब टाइटल सॉन्ग जो है पल पल दिल के पास वो भी अच्छा था. क्या आपको अच्छा नहीं लगा फिल्म? क्या अच्छा नहीं लगा कि मूवी थोड़ी लंबी होगी सेकंड हाफ में बस. क्योंकि इतना एक्सपेक्टेड नहीं था कि सेकंड हाफ मूवी इतना खींचेगा लेकिन वो खींचा मूवी तो करके फिर. अच्छा मार्क्स देना चाहोगे तो कितना? 5 में कितना? 5 में 3.5. करण तो इज डुप्लीकेट सनी देओल एंड डायरेक्शन इज वेरी गुड. एंड वो क्या कहते हैं करण इतना डिसेंट और इतना अच्छा लग रहा है कि लाइक आई एंजॉयड द मूवी. फर्स्ट हाफ वॉज वेरी गुड. नॉट गुड वेरी गुड लाइक माउंटेन सीनरी एंड सो नाइस ही वॉज लुकिंग. इट वॉज वेरी नाइस बट थोड़ा इंटरवल के बाद थोड़ा नीचे. बट डायरेक्शन इज वेरी वेरी गुड. तो पूरा सनी देओल ही लग रहा है वो तो. एंड वो फादर्स का लव भी दिख रहा है कि द वे ही हैज एक्टेड. इसे हर चीज़ की बारीकी उन्होंने देखी ना सनी देओल. एंड ही इज द कार्बन कॉपी ऑफ सनी देओल. फिल्म के नाम के अकॉर्डिंग उसकी स्टोरी कैसे पल पल दिल के पास? वो नाम थोड़ा मैच थोड़ा कम हो रहा है कम हो रहा है. बट सहर इज वेरी गुड वेरी वेरी गुड. क्या सॉन्ग्स? ओके. एक्शन वॉज ओके बट फर्स्ट हाफ वॉज वेरी गुड. I would to give 7 out of 5, yeah. 4. Thank you. Awesome movie. The best acting was the actor Karan. His cuteness is awesome in the movie. And by the way, the Zeher was also too good in the movie. And the best song was of the movie Palpal Dil Ke Paas. The girl sang at the Manali while doing the camping. Awesome movie. New entry of the hero and heroine both. Awesome director was too good but Sunny Deol was best director. Matlab we can say it was perfect movie. Not one time but you can watch it many times. Awesome songs. Best song was Palpal Dil Ke Paas. Well they are camping full tour of the camp. It was too catchy but in the movie. 5. Film awesome thi.
करण देओल कैसे थे? करण देओल इज ऑसम एंड डिक्टो लाइक सनी देओल। स्टोरी टेलिंग की बात करें तो किस तरह से थी? कितना बांधे रखी मूवी आपको? बांधे नहीं लगी क्योंकि लव स्टोरी है, फिर ऐसा बीच बीच में जो बोर होता बोरनेस कभी आया नहीं फिल्म में, और उसमें फिल्म में बीच में एक एक्शन सीक्वेंस है करण देओल का, इट्स लाइक डुप्लीकेट ऑफ सनी देओल, एंड उसमें एक शाउट करता हो जैसे सनी देओल अपने पिक्चर में शाउट करते थे, सेम साउंड एंड सेम वॉल्यूम साउंड 100%, क्योंकि कट्स एंड ऑल दैट सनी देओल के जैसी है पूरे। मूवी तो धमाकेदार होने वाली है, मूवी का याद नहीं, पर करण देओल धमाकेदार जरूर होने वाले बॉलीवुड में। गाने कैसे लगे आपको? गाने अच्छे, 4.5 अच्छी लगी मुझे मूवी। क्या अच्छी लगी फिल्म? फिल्म में मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि डायरेक्शन काफ़ी अच्छा था। फर्स्ट हाफ में मुझे जो लोकेशन था जैसे मनाली का लोकेशन लिया हुआ था, काफ़ी अच्छी सिनेमाटोग्राफी थी मूवी की। सनी देओल का जो एक्चुअल पार्ट होता है वो सेकंड हाफ में जो फाइटिंग सीक्वेंसेस है काफ़ी अच्छे हैं, बाद में मूवी में एक अच्छा है, मतलब एक काफ़ी अच्छा फील आता है, फैमिली मूवी टाइप लगती है, बहुत अच्छी लगी। काफ़ी लोग सनी देओल से कंपेयर कर रहे थे, तो मूवी में कितनी झलक दिखी है इसकी? बोल सकते हैं कि फाइटिंग सीक्वेंस में जैसे सनी देओल को देख के लगता है एकदम एंग्री यंग मैन टाइप, वैसा फील आता है एकदम उनको देख के। किस मूवी की याद दिलाती है सनी देओल की? वैसे तो मैं काफ़ी किस सीन की मुझे थोड़ी गदर की याद आती है सेकंड हाफ मूवी के अंदर, जब वो जो गदर की जो याद दिलाती है, गदर में मतलब फाइटिंग सीक्वेंस जो ट्रेन का सीन आता मुझे याद, तो मतलब ऐसा आवाज़ चिल्लाने के हिसाब से, मतलब वो आवाज़ एकदम सिमिलर लगी मुझे। सॉन्ग्स अच्छे थे मूवी, काफ़ी मुझे काफ़ी अच्छी लगे। एक्टिंग कैसी है? एक्टिंग दोनों एक्टर्स की अच्छी है, अच्छा डेब्यूटेंट तो बहुत अच्छा एक्टिंग किया है और अच्छी होगी आगे जाके। बताएं आप रोमांस कितना दिखाया गया? रोमांस काफ़ी दिखाया, मतलब बोल सकते हैं कि 2-3 गाने बेस्ड है उसके ऊपर, तो मतलब काफ़ी है, मतलब टाइटल सॉन्ग जो है पल पल दिल के पास वो भी अच्छा था। क्या आपको अच्छा नहीं लगा फिल्म? क्या अच्छा नहीं लगा कि मूवी थोड़ी लंबी होगी सेकंड हाफ में, बस क्योंकि इतना एक्सपेक्टेड नहीं था कि सेकंड हाफ मूवी इतना खींचेगा, लेकिन वो खींचा मूवी तो करके फिर। अच्छा मार्क्स देना चाहोगे तो कितना? 5 में कितना? 5 में 3.5। करण तो इज डुप्लीकेट सनी देओल एंड डायरेक्शन इज वेरी गुड एंड वो क्या कहते हैं, करण इतना डिसेंट और इतना अच्छा लग रहा है कि लाइक आई एंजॉयड द मूवी। फर्स्ट हाफ वॉज वेरी गुड, नॉट गुड, वेरी गुड, लाइक माउंटेन सीनरी एंड सो नाइस ही वॉज लुकिंग, इट वॉज वेरी नाइस, बट थोड़ा इंटरवल के बाद थोड़ा नीचे, बट डायरेक्शन इज वेरी वेरी गुड। तो पूरा सनी देओल ही लग रहा है वो तो, एंड वो फादर्स का लव भी दिख रहा है कि द वे ही हैज एक्टेड, इसे हर चीज़ की बारीकी उन्होंने देखी ना सनी देओल, एंड ही इज द कार्बन कॉपी ऑफ सनी देओल। फिल्म के नाम के अकॉर्डिंग इसकी स्टोरी कैसे पल पल दिल के पास? वो नाम थोड़ा मैच थोड़ा कम हो रहा है, कम हो रहा है, बट शहर इज वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। क्या सॉन्ग्स? ओके, एक्शन वॉज ओके, बट फर्स्ट हाफ वॉज वेरी गुड। I would to give 7. No, sorry, 7 out of 5. Yeah. 4. Thank you. Awesome movie. The best acting was the actor Karan. His cuteness is awesome in the movie. And by the way, the Zeher was also too good in the movie. And the best song was of the movie Pal Pal Dil Ke Paas. The girl sang at the Manali while doing the camping. Awesome movie. New entry of the hero and heroine both. डायरेक्टर वॉज टू गुड बट सनी देओल वॉज बेस्ट डायरेक्टर, मतलब वी कैन से इट वॉज परफेक्ट मूवी, नॉट वन टाइम वॉज यू कैन वॉच इट मैनी टाइम्स। ऑसम सॉन्ग्स, बेस्ट सॉन्ग वॉज पल पल दिल के पास। वेल द कैंपिंग, फुल टूर ऑफ द कैंप, इट वॉज टू कैची बट इन द मूवी 5। फिल्म ऑसम थी। करण देओल इज ऑसम एंड डिक्टो लाइक सनी देओल। स्टोरी टेलिंग की बात करें तो किस तरह से थी? कितना बांधे रखी मूवी आपको? बांधे नहीं लगी क्योंकि लव स्टोरी है, फिर ऐसा बीच बीच में जो बोर होता बोरनेस कभी आया नहीं फिल्म में, और उसमें फिल्म में बीच में एक एक्शन सीक्वेंस है करण देओल का, इट्स लाइक डुप्लीकेट ऑफ सनी देओल, एंड उसमें एक शाउट करता हो जैसे सनी देओल अपने पिक्चर में शाउट करते थे, सेम साउंड एंड सेम वॉल्यूम साउंड
100% क्योंकि कट्स एंड ऑल दैट सनी देओल के जैसी है पूरे। मूवी तो धमाकेदार होने वाली है, मूवी का याद नहीं, पर करण देओल धमाकेदार जरूर होने वाले बॉलीवुड में। गाने कैसे लगे आपको? गाने अच्छे, 4.5 अच्छी लगी मुझे मूवी। क्या अच्छी लगी फिल्म? फिल्म में मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि डायरेक्शन काफ़ी अच्छा था। फर्स्ट हाफ में मुझे जो लोकेशन था, जैसे मनाली का लोकेशन लिया हुआ था, काफ़ी अच्छी सिनेमाटोग्राफी थी मूवी की। सनी देओल का जो एक्चुअल पार्ट होता है वो सेकंड हाफ में जो फाइटिंग सीक्वेंसेस है काफ़ी अच्छे हैं। बाद में मूवी में एक अच्छा है, मतलब एक काफ़ी अच्छा फील आता है, फैमिली मूवी टाइप लगती है, बहुत अच्छी लगी। काफ़ी लोग सनी देओल से कंपेयर कर रहे थे, तो मूवी में कितनी झलक दिखी है इसकी? बोल सकते हैं कि फाइटिंग सीक्वेंस में जैसे सनी देओल को देख के लगता है एकदम एंग्री यंग मैन टाइप, वैसा फील आता है एकदम उनको देख के। किस मूवी की याद दिलाती है सनी देओल की? मैं काफी किसी सीन की मुझे थोड़ी गदर की याद आती है मूवी सेकंड हाफ मूवी के अंदर, जब वो जो गदर की जो याद दिलाती है, गदर में मतलब फाइटिंग सीक्वेंस ट्रेन का सीन आता मुझे याद, तो मतलब ऐसा आवाज़ चिल्लाने के हिसाब से, मतलब वो आवाज़ एकदम सिमिलर लगी मुझे। सॉन्ग्स अच्छे थे मूवी, काफ़ी मुझे काफ़ी अच्छी लगे। एक्टिंग कैसी है? एक्टिंग दोनों एक्टर्स की अच्छी है, डेब्यूटेंट तो बहुत अच्छा एक्टिंग किया है और अच्छी होगी आगे जाके। रोमांस कितना दिखाया गया? रोमांस काफ़ी दिखाया, मतलब बोल सकते हैं कि 2-3 गाने बेस्ड है उसके ऊपर, तो मतलब काफ़ी है, मतलब टाइटल सॉन्ग जो है पल पल दिल के पास, वो भी अच्छा था। क्या आपको अच्छा नहीं लगा फिल्म? क्या अच्छा नहीं लगा कि मूवी थोड़ी लंबी होगी सेकंड हाफ में, बस क्योंकि इतना एक्सपेक्टेड नहीं था कि सेकंड हाफ मूवी इतना खींचेगा, लेकिन वो खींचा मूवी तो करके फिर। अच्छा, मार्क्स देना चाहोगे तो कितना? 5 में कितना? 5 में 3.5। करण तो इज डुप्लीकेट सनी देओल एंड डायरेक्शन इज वेरी गुड एंड वो क्या कहते हैं, करण इतना डिसेंट और इतना अच्छा लग रहा है कि लाइक आई एंजॉयड द मूवी। फर्स्ट हाफ वॉज वेरी गुड, नॉट गुड, वेरी गुड, लाइक माउंटेन सीनरी एंड सो नाइस ही वॉज लुकिंग, इट वॉज वेरी नाइस, बट थोड़ा इंटरवल के बाद थोड़ा नीचे, बट डायरेक्शन इज वेरी वेरी गुड। तो पूरा सनी देओल ही लग रहा है वो तो, एंड वो फादर्स का लव भी दिख रहा है कि द वे ही हैज एक्टेड, इसे हर चीज़ की बारीकी उन्होंने देखी ना सनी देओल, एंड ही इज़ द कार्बन कॉपी ऑफ सनी देओल। फिल्म के नाम के अकॉर्डिंग इसकी स्टोरी कैसे पल पल दिल के पास? वो नाम थोड़ा मैच थोड़ा कम हो रहा है, कम हो रहा है, बट सहर इज वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। क्या सॉन्ग्स? ओके, एक्शन वॉज ओके, बट फर्स्ट हाफ वॉज वेरी गुड। I would to give 7 out of 5, 4. Thank you. Awesome movie. The best acting was the actor Karan. His cuteness is awesome in the movie. And by the way, the Zeher was also too good in the movie. And the best song was of the movie Pal Pal Dil Ke Paas. The girl sang at the Manali while doing the camping. Awesome movie. New entry of the hero and heroine both. Director was too good, but Sunny Deol was best director, matlab we can say it was perfect movie, not one time but you can watch it many times. Awesome songs, best song was Pal Pal Dil Ke Paas. Acha kuch scene tha jahan pe aap stump se ho gaye, wo while they camping, full tour of the camp, it was too catchy but in the movie. What of Amrish? 5. Film awesome thi. करण देओल इज ऑसम एंड डिक्टो लाइक सनी देओल। स्टोरी टेलिंग की बात करें तो किस तरह से थी? कितने बांधे रखी मूवी आपको? बांधे नहीं लगी क्योंकि लव स्टोरी है, फिर ऐसा बीच बीच में जो बोर होता बोरनेस कभी आया नहीं फिल्म में, और उसमें फिल्म में बीच में एक एक्शन सिक्वेंस है करण देओल का, इट्स लाइक डुप्लीकेट ऑफ सनी देओल, एंड उसमें एक शाउट करता हो जैसे सनी देओल अपने पिक्चर में शाउट करते थे, सेम साउंड एंड सेम वॉल्यूम साउंड। 100% क्योंकि कट्स एंड ऑल दैट सनी देओल के जैसी है पूरे। मूवी तो धमाकेदार होने वाली है, मूवी का याद नहीं, पर करण देओल धमाकेदार जरूर होने वाले बॉलीवुड में। गाने कैसे लगे आपको? गाने अच्छे, 4.5 अच्छी लगी मुझे मूवी। क्या अच्छी लगी फिल्म? फिल्म में मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि डायरेक्शन काफ़ी अच्छा था। फर्स्ट हाफ में
मुझे जो लोकेशन था जैसे मनाली का लोकेशन लिया हुआ था, काफ़ी अच्छी सिनेमाटोग्राफी थी मूवी की। सनी देओल का जो एक्चुअल पार्ट होता है वो सेकंड हाफ में जो फाइटिंग सीक्वेंसेस है काफ़ी अच्छे हैं। बाद में मूवी में एक अच्छा है, मतलब एक काफ़ी अच्छा फील आता है, फैमिली मूवी टाइप लगती है, बहुत अच्छी लगी। काफ़ी लोग सनी देओल से कंपेयर कर रहे थे, तो मूवी में कितनी झलक दिखी है इसकी? बोल सकते हैं कि फाइटिंग सीक्वेंस में जैसे सनी देओल को देख के लगता है एकदम एंग्री यंग मैन टाइप, वैसा फील आता है एकदम उनको देख के। किस मूवी की याद दिलाती है सनी देओल की? वैसे तो मैं काफ़ी किसी सीन की मुझे थोड़ी गदर की याद आती है मूवी सेकेंड हाफ। मूवी के अंदर जब वो जो गदर की जो याद गदर में मतलब फाइटिंग सीक्वेंस ट्रेन का सीन आता मुझे याद, तो मतलब ऐसा आवाज़ चिल्लाने के हिसाब से मतलब वो आवाज़ एकदम सिमिलर लगी मुझे। सॉन्ग्स अच्छे थे मूवी, काफ़ी मुझे काफ़ी अच्छी लगे। एक्टिंग कैसी है? एक्टिंग दोनों एक्टर्स की अच्छी है, था डेब्यूटेंट तो बहुत अच्छा एक्टिंग किया है और अच्छी होगी आगे जाके। बताएं आप रोमांस कितना दिखाया गया? रोमांस काफ़ी दिखाया, मतलब बोल सकते हैं कि दो तीन गाने बेस्ड है उसके ऊपर, तो मतलब काफ़ी है मतलब। टाइटल सॉन्ग जो है पल पल दिल के प्यार, वो भी अच्छा था। क्या आपको अच्छा नहीं लगा फिल्म? क्या अच्छा नहीं लगा कि मूवी थोड़ी लंबी होगी सेकंड हाफ में, बस क्योंकि इतना एक्सपेक्टेड नहीं था कि सेकंड हाफ मूवी इतना खींचेगा, लेकिन वो खींचा मूवी तो करके फिर। अच्छा मार्क्स देना चाहोगे तो कितना, पाँच में कितना? पाँच में 3.5। करण तो इज डुप्लीकेट सनी देओल एंड डायरेक्शन इज वेरी गुड एंड वो क्या कहते हैं, करण इतना डिसेंट और इतना अच्छा लग रहा है कि लाइक आई एंजॉयड द मूवी। फर्स्ट हाफ वॉज वेरी गुड, नॉट गुड, वेरी गुड, लाइक माउंटेन सीनरी एंड सो नाइस ही वॉज लुकिंग, इट वॉज वेरी नाइस, बट थोड़ा इंटरवल के बाद थोड़ा नीचे, बट डायरेक्शन इज वेरी वेरी गुड। तो पूरा सनी देओल ही लग रहा है वो तो, एंड वो फादर्स का लव भी दिख रहा है कि द वे ही हैज एक्टेड, इसे हर चीज़ की बारीकी उन्होंने देखी ना सनी देओल, एंड ही इज द कार्बन कॉपी ऑफ सनी देओल। फिल्म के नाम के अकॉर्डिंग इसकी स्टोरी कैसे पल पल दिल के पास? वो नाम थोड़ा मैच थोड़ा कम हो रहा है, कम हो रहा है, बट सहर इज वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। क्या सॉन्ग्स? ओके, एक्शन वॉज ओके, बट फर्स्ट हाफ वॉज वेरी गुड। I would to give 7. No, 7 out of 5. Yeah. 4. Thank you. Awesome movie. The best acting was the actor Karan. His cuteness is awesome in the movie. And by the way, the Zeher was also too good in the movie. And the best song was of the movie Pal Pal Dil Ke Paas. The girl sang at the Manali while doing the camping. Awesome movie. New entry of the hero and heroine both. Awesome director was too good, but Sunny Deol was best director. मतलब we can say it was perfect movie. Not one time watch, you can watch it many times. Awesome songs. Best song was Pal Pal Dil Ke Paas. अच्छा कुछ सीन था जहाँ पे आप इस कैंप से हो गए हो? While they are camping, full tour of the camp. It was too catchy, but in the movie. What time was it? 5. Film awesome थी. करण देओल इज ऑसम एंड डिक्टो लाइक सनी देओल। स्टोरी टेलिंग की बात करें तो किस तरह से थी? कितना बांधे रखी मूवी आपको? बांधे नहीं लगी क्योंकि लव स्टोरी है, फिर ऐसा बीच बीच में जो बोर होता बोरनेस कभी आया नहीं फिल्म में, और उसमें फिल्म में बीच में एक एक्शन सीक्वेंस है करण देओल का, इट्स लाइक डुप्लीकेट ऑफ सनी देओल, एंड उसमें एक शाउट करता हो जैसे सनी देओल अपने पिक्चर में शाउट करते थे, सेम साउंड एंड सेम वॉल्यूम साउंड 100%, क्योंकि कट्स एंड ऑल दैट सनी देओल के जैसी है पूरे। मूवी तो धमाकेदार होने वाली है, मूवी का याद नहीं, पर करण देओल धमाकेदार जरूर होने वाले बॉलीवुड में। गाने कैसे लगे आपको? गाने अच्छे, 4.5। अच्छी लगी मुझे मूवी। क्या अच्छी लगी फिल्म? फिल्म में मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि डायरेक्शन काफ़ी अच्छा था। फर्स्ट हाफ में मुझे जो लोकेशन था जैसे मनाली का लोकेशन लिया हुआ था, काफ़ी अच्छी सिनेमाटोग्राफी थी मूवी की। सनी देओल का जो एक्चुअल पार्ट होता है वो सेकंड हाफ में जो फाइटिंग सीक्वेंसेस है काफ़ी अच्छे हैं। बाद में मूवी में एक अच्छा है, मतलब एक काफ़ी अच्छा फील आता है, फैमिली मूवी टाइप लगती है, बहुत अच्छी लगी। काफ़ी लोग सनी देओल से कंपेयर कर रहे थे, तो मूवी में कितनी झलक दिखी है इसकी? बोल सकते हैं कि फाइटिंग सीक्वेंस में जैसे सनी देओल को देख के लगता है एकदम एंग्री यंग मैन टाइप, वैसा फील आता है एकदम उनको देख के। मूवी की याद दिलाती है सनी देओल की? वैसे तो मैं काफ़ी सीन की
मुझे थोड़ी गदर की याद आती है सेकंड हाफ मूवी के अंदर जब वो जो गदर की जो याद गदर में मतलब फाइटिंग सीक्वेंस ट्रेन का सीन आता मुझे याद तो मतलब ऐसा आवाज़ चिल्लाने के हिसाब से मतलब वो आवाज़ एकदम सिमिलर लगी मुझे सॉन्ग्स अच्छे थे मूवी काफ़ी मुझे काफ़ी अच्छी लगे एक्टिंग कैसी है एक्टिंग दोनों एक्टर्स की अच्छी है सर डेब्यूटेंट तो बहुत अच्छा एक्टिंग किया है और अच्छी होगी आगे जाके रोमांस कितना दिखाया गया रोमांस काफ़ी दिखाया मतलब बोल सकते हैं कि दो तीन गाने बेस्ट है उसके ऊपर तो मतलब काफ़ी है मतलब टाइटल सॉन्ग जो है पल पल दिल के प्यार वो भी अच्छा था क्या आपको अच्छा नहीं लगा फिल्म क्या अच्छा लगा कि मूवी थोड़ी लंबी होगी सेकंड हाफ में बस क्योंकि इतना एक्सपेक्टेड नहीं था कि सेकंड हाफ मूवी इतना खींचेगा लेकिन वो खींचा मूवी तो करके फिर अच्छा मार्क्स देना चाहोगे तो कितना पाँच में कितना पाँच में साढ़े तीन करण तो इज डुप्लीकेट सनी देओल एंड डायरेक्शन इज वेरी गुड एंड वो क्या कहते हैं करण इतना डिसेंट और इतना अच्छा लग रहा है कि लाइक आई एंजॉयड द मूवी फर्स्ट हाफ वॉज वेरी गुड नॉट गुड वेरी गुड लाइक माउंटेन सीनरी एंड सो नाइस ही वॉज लुकिंग इट वॉज वेरी नाइस बट थोड़ा इंटरवल के बाद थोड़ा नीचे बट डायरेक्शन इज वेरी वेरी गुड तो पूरा सनी देओल ही लग रहा है वो तो एंड वो फादर्स का लव भी दिख रहा है कि द वे ही हैज एक्टेड इसे हर चीज़ की बारीकी उन्होंने देखी ना सनी देओल एंड ही इज़ द कार्बन कॉपी ऑफ सनी देओल फिल्म के नाम के अकॉर्डिंग उसकी स्टोरी कैसे पल पल दिल के पास वो नाम थोड़ा मैच थोड़ा कम हो रहा है कम हो रहा है बट शहर इज़ वेरी गुड वेरी वेरी गुड क्या सॉन्ग्स ओके एक्शन वॉज ओके बट फर्स्ट हाफ वॉज वेरी गुड I would give 7. No, sorry, 7 out of 5. Yeah. 4. Thank you. Awesome movie. The best acting was the actor, Karan. His cuteness is awesome in the movie. And by the way, the Zeher was also too good in the movie. And the best song was of the movie Pal Pal Dil Ke Paas. The girl sang at the Manali while doing the camping. Awesome movie. New entry of the hero and heroine, both. Awesome director was too good but Sunny Deol was best director matlab we can say it was perfect movie not one time but you can watch it many times awesome songs best song was Pal Pal Dil Ke Paas scene tha jahan pe aap stuck se ho gaye ho while they camping full tour of the camp it was too catchy but in the movie what of amista 5 film awesome thi करण देओल इज ऑसम एंड डिक्टो लाइक सनी देओल स्टोरी टेलिंग की बात करें तो किस तरह से थी कितना बांधे रखी मूवी आपको कितना बांधे रखी मूवी आपको बांधे नहीं लगी क्योंकि लव स्टोरी है फिर ऐसा बीच बीच में जो बोर होता बोरनेस कभी आया नहीं फिल्म में और उसमें फिल्म में बीच में एक एक्शन सिक्वेंस है करण देओल का इट्स लाइक डुप्लीकेट ऑफ सनी देओल एंड उसमें एक शाउट करता हो जैसे सनी देओल अपने पिक्चर में शाउट करते थे सेम साउंड एंड सेम वॉल्यूम साउंड 100% क्योंकि कट्स एंड ऑल दैट सनी देओल के जैसी है पूरे मूवी तो धमाकेदार होने वाली है मूवी का याद नहीं पर करण देओल धमाकेदार जरूर होने वाले बॉलीवुड में गाने कैसे लगे आपको गाने अच्छे 4.5 अच्छी लगी मुझे मूवी क्या अच्छी लगी फिल्म फिल्म में मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि डायरेक्शन काफ़ी अच्छा था फर्स्ट हाफ में मुझे जो लोकेशन था जैसे मनाली का लोकेशन लिया हुआ था काफ़ी अच्छी सिनेमाटोग्राफी थी मूवी की सनी देओल का जो एक्चुअल पार्ट होता है वो सेकंड हाफ में जो फाइटिंग सीक्वेंसेस है काफ़ी अच्छे हैं बाद में मूवी में एक अच्छा है मतलब एक काफ़ी अच्छा फील आता है फैमिली मूवी टाइप लगती है बहुत अच्छी लगी काफ़ी लोग सनी देओल से कंपेयर कर रहे थे तो मूवी में कितनी झलक दिखी है इसकी बोल सकते हैं कि फाइटिंग सीक्वेंस में जैसे सनी देओल को देख के लगता है एकदम एंग्री यंग मैन टाइप वैसा फील आता है एकदम उनको देख के मूवी की याद दिलाती है सनी देओल की मैं काफी किसी सीन की मुझे थोड़ी गदर की याद आती है सेकंड हाफ मूवी के अंदर जब वो जो गदर की जो याद दिलाती गदर में मतलब फाइटिंग सीक्वेंस ट्रेन का सीन आता मुझे याद तो मतलब ऐसा आवाज़ चिल्लाने के हिसाब से मतलब वो आवाज़ एकदम सिमिलर लगी मुझे सॉन्ग्स अच्छे थे मूवी काफ़ी मुझे काफ़ी अच्छी लगे एक्टिंग दोनों एक्टर्स की अच्छी है सर डेब्यूटेंट तो बहुत अच्छा एक्टिंग किया है और अच्छी होगी आगे जाके बताएं आप रोमांस कितना दिखाया गया रोमांस
काफ़ी दिखाया, मतलब बोल सकते हैं कि दो तीन गाने वेस्ट है उसके ऊपर, तो मतलब काफ़ी है, मतलब टाइटल सॉन्ग जो है पल पल दिल के प्यार वो भी अच्छा था। क्या आपको अच्छा नहीं लगा फिल्म? क्या अच्छा नहीं लगा कि मूवी थोड़ी लंबी होगी सेकंड हाफ में, बस क्योंकि इतना एक्सपेक्टेड नहीं था कि सेकंड हाफ मूवी इतना खींचेगा, लेकिन वो खींचा मूवी तो करके फिर। अच्छा मार्क्स देना चाहोगे तो कितना, पाँच में कितना? पाँच में 3.5। करण तो इज डुप्लीकेट सनी देओल एंड डायरेक्शन इज वेरी गुड एंड वो क्या कहते हैं, करण इतना डिसेंट और इतना अच्छा लग रहा है कि लाइक आई एंजॉयड द मूवी। फर्स्ट हाफ वॉज वेरी गुड, नॉट गुड, वेरी गुड, लाइक माउंटेन सीनरी एंड सो नाइस ही वॉज लुकिंग, इट वॉज वेरी नाइस, बट थोड़ा इंटरवल के बाद थोड़ा नीचे, बट डायरेक्शन इज वेरी वेरी गुड। तो पूरा सनी देओल ही लग रहा है वो तो, एंड वो फादर्स का लव भी दिख रहा है कि द वे ही हैज एक्टेड, इसे हर हर चीज़ की बारीकी उन्होंने देखी ना सनी देओल, एंड ही इज द कार्बन कॉपी ऑफ सनी देओल। फिल्म के नाम के अकॉर्डिंग इसकी स्टोरी कैसे पल पल दिल के पास? वो नाम थोड़ा मैच थोड़ा कम हो रहा है, कम हो रहा है, बट सहर इज वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। क्या सॉन्ग्स? ओके, एक्शन वॉज ओके, बट फर्स्ट हाफ वॉज वेरी गुड। I would to give 7. No, sir, 7 out of 5? Yeah. 4. Thank you. Awesome movie. The best acting was the actor, Karan. His cuteness is awesome in the movie. And by the way, the Zeher was also too good in the movie. And the best song was of the movie, Pal Pal Dil Ke Paas. The girl sang at the Manali while doing the camping. Awesome movie. New entry of the hero and heroine, both. Director was too good, but Sunny Deol was best director, matlab we can say it was perfect movie, not one time watch, you can watch it many times. Awesome songs, best song was Pal Pal Dil Ke Paas. Acha kuch scene tha jahan pe aap stuck se ho gaye, wo while they camping, full tour of the camp, it was too catchy, but in the movie 5. Film awesome thi. Karan Deol is awesome and Dicto like Sunny Deol. Story retelling ki baat kare to kis tarah se thi, kitna bandhe rakhi movie aapko, kitna bandhe rakhi movie aapko? Bandhe nahi lagi kyunki love story hai, fir aisa beech beech mein jo bore hota boreness kabhi aaya nahi film mein, aur usme film mein beech mein ek action sequence hai Karan Deol ka, इट्स लाइक डुप्लीकेट ऑफ सनी देओल, एंड उसमें एक शाउट करता हो जैसे सनी देओल अपने पिक्चर में शाउट करते थे, सेम साउंड एंड सेम वॉल्यूम साउंड 100%, क्योंकि कट्स एंड ऑल दैट सनी देओल के जैसी है पूरे। मूवी तो धमाकेदार होने वाली है, मूवी का याद नहीं, पर करण देओल धमाकेदार जरूर होने वाले बॉलीवुड में। गाने कैसे लगे आपको? गाने अच्छे, 4.5। अच्छी लगी मुझे मूवी। क्या अच्छी लगी फिल्म? फिल्म में मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि डायरेक्शन काफ़ी अच्छा था। फर्स्ट हाफ में मुझे जो लोकेशन था, जैसे मनाली का लोकेशन लिया हुआ था, काफ़ी अच्छी सिनेमाटोग्राफी थी मूवी की। सनी देओल का जो एक्चुअल पार्ट होता है वो सेकेंड हाफ में जो फाइटिंग सीक्वेंसेस है काफ़ी अच्छे हैं, बाद में मूवी में एक अच्छा है, मतलब एक काफ़ी अच्छा फील आता है, फैमिली मूवी टाइप लगती है, बहुत अच्छी लगी। काफ़ी लोग सनी देओल से कंपेयर कर रहे थे, तो मूवी में कितनी झलक दिखी है इसकी? बोल सकते हैं कि फाइटिंग सीक्वेंस में जैसे सनी देओल को देख के लगता है एकदम एंग्री यंग मैन टाइप, वैसा फील आता है एकदम उनको देख के। किस मूवी की याद दिलाती है सनी देओल की? वैसे तो मैं काफ़ी किसी सीन की, मुझे थोड़ी गदर की याद आती है सेकेंड हाफ मूवी के अंदर, जब वो जो गदर की जो याद दिलाती है गदर में, मतलब फाइटिंग सीक्वेंस ट्रेन का सीन आता मुझे याद, तो मतलब ऐसा आवाज़ चिल्लाने के हिसाब से, मतलब वो आवाज़ एकदम सिमिलर लगी मुझे। सॉन्ग्स अच्छे थे मूवी, काफ़ी मुझे काफ़ी अच्छी लगे। एक्टिंग कैसी है? एक्टिंग दोनों एक्टर्स की अच्छी है, था डेब्यूटेंट तो बहुत अच्छा एक्टिंग किया है और अच्छी होगी आगे जाके। बताएं आप, रोमांस कितना दिखाया गया? रोमांस काफ़ी दिखाया, मतलब बोल सकते हैं कि 2-3 गाने वेस्ट है उसके ऊपर, तो मतलब काफ़ी है, मतलब टाइटल सॉन्ग जो है पल पल दिल के पास वो भी अच्छा था। क्या आपको अच्छा नहीं लगा फिल्म? क्या अच्छा नहीं लगा कि मूवी थोड़ी लंबी होगी सेकंड हाफ में, बस क्योंकि इतना एक्सपेक्टेड नहीं था कि सेकंड हाफ मूवी इतना खींचेगा, लेकिन वो खींचा मूवी तो करके फिर। अच्छा मार्क्स देना चाहोगे तो कितना, 5 में कितना? 5 में 3.5। नाइस।
डुप्लीकेट सनी देओल एंड डायरेक्शन इज वेरी गुड एंड वो क्या कहते हैं करण इतना डिसेंट और इतना अच्छा लग रहा है कि लाइक आई एंजॉयड द मूवी. फर्स्ट हाफ वॉज वेरी गुड, नॉट गुड, वेरी गुड, लाइक माउंटेन सीनरी एंड सो नाइस ही वॉज लुकिंग, इट वॉज वेरी नाइस. बट थोड़ा इंटरवल के बाद थोड़ा नीचे, बट डायरेक्शन इज वेरी वेरी गुड. तो पूरा सनी देओल ही लग रहा है वो तो. एंड वो फादर्स का लव भी दिख रहा है कि द वे ही हैज एक्टेड, इसे हर हर चीज की बारीकी उन्होंने देखी ना सनी देओल. एंड ही इज द कार्बन कॉपी ऑफ सनी देओल. फिल्म के नाम के अकॉर्डिंग इसकी स्टोरी कैसे पल पल दिल के पास, वो नाम थोड़ा मैच थोड़ा कम हो रहा है, कम हो रहा है. बट शहर इज वेरी गुड, वेरी वेरी गुड. क्या सॉन्ग्स ओके, एक्शन वॉज ओके, बट फर्स्ट हाफ वॉज वेरी गुड. I would to give 7. No, not 7. Out of 5? Yeah. 4. Thank you. Awesome movie. The best acting was the actor, Karan. His cuteness is awesome in the movie. And by the way, the Zeher was also too good in the movie. And the best song was of the movie, Palpal Dil Ke Paas. The girl sang at the Manali while doing the camping. Awesome movie. New entry of the hero and heroine, both. Awesome director was too good, but Sunny Deol was best director. Matlab, we can say it was perfect movie. Not one time, but you can watch it many times. Awesome songs. Best song was Palpal Dil Ke Paas. While they are camping, full tour of the camp. It was too catchy, but in the movie. 5. Film awesome thi. करण देओल इज ऑसम एंड डिक्टो लाइक सनी देओल. स्टोरी टेलिंग की बात करें तो किस तरह से थी, कितना बांधे रखी मूवी आपको, कितना बांधे रखी मूवी आपको? बांधे नहीं लगी क्योंकि लव स्टोरी है, फिर ऐसा बीच बीच में जो बोर होता है बोरनेस कभी आया नहीं फिल्म में. और उसमें फिल्म में बीच में एक एक्शन सिक्वेंस है करण देओल का, इट्स लाइक डुप्लीकेट ऑफ सनी देओल. एंड उसमें एक शाउट करता हो, जैसे सनी देओल अपने पिक्चर में शाउट करते थे, सेम साउंड एंड सेम वॉल्यूम साउंड 100%, क्योंकि कट्स एंड ऑल दैट सनी देओल के जैसी है पूरे. मूवी तो धमाकेदार होने वाली है, मूवी का याद नहीं, पर करण देओल धमाकेदार जरूर होने वाले बॉलीवुड में. गाने कैसे लगे आपको? गाने अच्छे, 4.5. अच्छी लगी मुझे मूवी. क्या अच्छी लगी फिल्म? फिल्म में मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि डायरेक्शन काफ़ी अच्छा था. फर्स्ट हाफ में मुझे जो लोकेशन था, जैसे मनाली का लोकेशन लिया हुआ था, काफ़ी अच्छी सिनेमाटोग्राफी थी मूवी की. सनी देओल का जो एक्चुअल पार्ट होता है वो सेकंड हाफ में जो फाइटिंग सीक्वेंसेस है काफ़ी अच्छे हैं. बाद में मूवी में एक अच्छा है, मतलब एक काफ़ी अच्छा फील आता है, फैमिली मूवी टाइप लगती है, बहुत अच्छी लगी. काफ़ी लोग सनी देओल से कंपेयर कर रहे थे, तो मूवी में कितनी झलक दिखी है इसकी? बोल सकते हैं कि फाइटिंग सीक्वेंस में जैसे सनी देओल को देख के लगता है एकदम एंग्री यंग मैन टाइप, वैसा फील आता है एकदम उनको देख के. मूवी की याद दिलाती है सनी देओल की? वैसे तो मैं काफ़ी सीन की मुझे थोड़ी गदर की याद आती है सेकंड हाफ मूवी के अंदर, जब वो जो गदर की जो याद दिलाती है गदर में, मतलब फाइटिंग सीक्वेंस जो ट्रेन का सीन आता मुझे याद, तो मतलब ऐसा आवाज़ चिल्लाने के हिसाब से, मतलब वो आवाज़ एकदम सिमिलर लगी मुझे. सॉन्ग्स अच्छे थे मूवी, काफ़ी मुझे काफ़ी अच्छी लगे. एक्टिंग दोनों एक्टर्स की अच्छी है, डेब्यूटेंट तो बहुत अच्छा एक्टिंग किया है और अच्छी होगी आगे जाके. रोमांस कितना दिखाया गया फिल्म? रोमांस काफ़ी दिखाया, मतलब बोल सकते हैं कि 2-3 गाने बेस्ड है उसके ऊपर, तो मतलब काफ़ी है, मतलब वो टाइटल सॉन्ग जो है पल पल दिल के पास वो भी अच्छा था. अच्छा, क्या आपको अच्छा नहीं लगा फिल्म? क्या अच्छा नहीं लगा कि मूवी थोड़ी लंबी होगी सेकंड हाफ में, बस क्योंकि इतना एक्सपेक्टेड नहीं था कि सेकंड हाफ मूवी इतना खींचेगा, लेकिन वो खींचा मूवी तो करके फिर. अच्छा, मार्क्स देना चाहोगे तो कितना, 5 में कितना? 5 में 3.5. करण तो इज डुप्लीकेट सनी देओल एंड डायरेक्शन इज वेरी गुड एंड वो क्या कहते हैं करण इतना डिसेंट और इतना अच्छा लग रहा है कि लाइक आई एंजॉयड द मूवी. फर्स्ट हाफ वॉज वेरी गुड, नॉट गुड, वेरी गुड, लाइक माउंटेन सीनरी एंड सो नाइस ही वॉज लुकिंग, इट वॉज वेरी नाइस. बट थोड़ा इंटरवल के बाद थोड़ा नीचे, बट डायरेक्शन इज वेरी वेरी गुड. तो पूरा सनी देओल ही लग रहा है वो तो.
एंड वो फादर्स का लव भी दिख रहा है कि द वे ही हैज एक्टेड, इसे हर हर चीज की बारीकी उन्होंने देखी ना सनी देओल, एंड ही इज द कार्बन कॉपी ऑफ सनी देओल. फिल्म के नाम के अकॉर्डिंग इसकी स्टोरी कैसे पल पल दिल के पास, वो नाम थोड़ा मैच थोड़ा कम हो रहा है, कम हो रहा है, बट सहर इज वेरी गुड, वेरी वेरी गुड. क्या सॉन्ग्स? ओके, एक्शन वॉज ओके, बट फर्स्ट हाफ वॉज वेरी गुड. I would to give 7. No, no, sorry, 7 out of 5? Yeah. 4. Thank you. Awesome movie. The best acting was the actor, Karan. His cuteness is awesome in the movie. And by the way, the Zeher was also too good in the movie. And the best song was of the movie Pal Pal Dil Ke Paas. The girl sang at the Manali while doing the camping. Awesome movie. New entry of the hero and heroine, both. डायरेक्टर वॉज टू गुड, बट सनी देओल वॉज बेस्ट डायरेक्टर. मतलब वी कैन से इट वॉज परफेक्ट मूवी, नॉट वन टाइम वॉज, यू कैन वॉच इट मैनी टाइम्स. ऑसम सॉन्ग्स, बेस्ट सॉन्ग वॉज पल पल दिल के पास. वेल द कैंपिंग, फुल टूर ऑफ द कैंप, इट वॉज टू कैची बट इन द मूवी. 5. फिल्म ऑसम थी. करण देओल इज ऑसम एंड डिक्टो लाइक सनी देओल. स्टोरी टेलिंग की बात करें तो किस तरह से थी, कितना बांधे रखी मूवी आपको, कितना बांधे रखी मूवी आपको? बांधे नहीं लगी क्योंकि लव स्टोरी है, फिर ऐसा बीच बीच में जो बोर होता बोरनेस कभी आया नहीं फिल्म में. और उसमें फिल्म में बीच में एक एक्शन सिक्वेंस है करण देओल का, इट्स लाइक डुप्लीकेट ऑफ सनी देओल. एंड उसमें एक शाउट करता हो, जैसे सनी देओल अपने पिक्चर में शाउट करते थे, सेम साउंड एंड सेम वॉल्यूम साउंड 100%, क्योंकि कट्स एंड ऑल दैट सनी देओल के जैसी है पूरे. मूवी तो धमाकेदार होने वाली है, मूवी का याद नहीं, पर करण देओल धमाकेदार जरूर होने वाले बॉलीवुड में. गाने कैसे लगे आपको? गाने अच्छे, 4.5. अच्छी लगी मुझे मूवी. क्या अच्छी लगी फिल्म में? फिल्म में मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि डायरेक्शन काफ़ी अच्छा था. फर्स्ट हाफ में मुझे जो लोकेशन था, जैसे मनाली का लोकेशन लिया हुआ था, काफ़ी अच्छी सिनेमाटोग्राफी थी मूवी की. सनी देओल का जो एक्चुअल पार्ट होता है, वो सेकंड हाफ में जो फाइटिंग सीक्वेंसेस है काफ़ी अच्छे हैं. बाद में मूवी में एक अच्छा है, मतलब एक काफ़ी अच्छा फील आता है, फैमिली मूवी टाइप लगती है, बहुत अच्छी लगी. काफ़ी लोग सनी देओल से कंपेयर कर रहे थे, तो मूवी में कितनी झलक दिखी है इसकी? बोल सकते हैं कि फाइटिंग सीक्वेंस में जैसे सनी देओल को देख के लगता है एकदम एंग्री यंग मैन टाइप, वैसा फील आता है एकदम उनको देख के. मूवी की याद दिलाती है सनी देओल की? वैसे तो मैं काफ़ी किसी सीन की मुझे थोड़ी गदर की याद आती है मूवी सेकंड हाफ. मूवी के अंदर जब वो जो गदर की जो याद दिलाती है, गदर में मतलब फाइटिंग सीक्वेंस ट्रेन का सीन आता मुझे याद, तो मतलब ऐसा आवाज़ चिल्लाने के हिसाब से, मतलब वो आवाज़ एकदम सिमिलर लगी मुझे. सॉन्ग्स अच्छे थे मूवी, काफ़ी मुझे काफ़ी अच्छी लगे. एक्टिंग दोनों एक्टर्स की अच्छी है, सर डेब्यूटेंट ने बहुत अच्छा एक्टिंग किया है और अच्छी होगी आगे जाके. बताएं आप, रोमांस कितना दिखाया गया? रोमांस काफ़ी दिखाया, मतलब बोल सकते हैं कि 2-3 गाने बेस्ड है उसके ऊपर, तो मतलब काफ़ी है. मतलब टाइटल सॉन्ग जो है पल पल दिल के पास, वो भी अच्छा था. क्या आपको अच्छा नहीं लगा फिल्म? क्या अच्छा नहीं लगा कि मूवी थोड़ी लंबी होगी सेकंड हाफ में, बस क्योंकि इतना एक्सपेक्टेड नहीं था कि सेकंड हाफ मूवी इतना खींचेगा, लेकिन वो खींचा मूवी तो करके फिर. अच्छा, मार्क्स देना चाहोगे तो कितना, 5 में कितना? 5 में 3.5. करण तो इज डुप्लीकेट सनी देओल एंड डायरेक्शन इज वेरी गुड. एंड वो क्या कहते हैं, करण इतना डिसेंट और इतना अच्छा लग रहा है कि लाइक आई एंजॉयड द मूवी. फर्स्ट हाफ वॉज वेरी गुड, नॉट गुड, वेरी गुड, लाइक माउंटेन सीनरी एंड सो नाइस ही वॉज लुकिंग, इट वॉज वेरी नाइस. बट थोड़ा इंटरवल के बाद थोड़ा नीचे, बट डायरेक्शन इज वेरी वेरी गुड. तो पूरा सनी देओल ही लग रहा है वो तो. एंड वो फादर्स का लव भी दिख रहा है कि द वे ही हैज एक्टेड, इसे हर हर चीज़ की बारीकी उन्होंने देखी ना सनी देओल, एंड ही इज द कार्बन कॉपी ऑफ सनी देओल. फिल्म के नाम के अकॉर्डिंग इसकी स्टोरी कैसे पल पल दिल के पास, वो नाम थोड़ा मैच थोड़ा कम हो रहा है, कम हो रहा है, बट सहर इज वेरी गुड, वेरी वेरी गुड. क्या सॉन्ग्स? ओके, एक्शन वॉज ओके,
बट फर्स्ट हाफ वॉज वेरी गुड. आई वुड टू गिव 7. नो नो सॉरी 7 आउट ऑफ 5. 4. Thank you. Awesome movie. The best acting was the actor Karan. His cuteness is awesome in the movie. And by the way, the Zeher was also too good in the movie. And the best song was of the movie Palpal Dil Ke Paas. The girl sang at the Manali while doing the camping. Awesome movie. New entry of the hero and heroine both. Awesome director was too good, but Sunny Deol was best director. Matlab, we can say it was perfect movie. Not one time, but you can watch it many times. Awesome songs. Best song was Palpal Dil Ke Paas. While they are camping, full tour of the camp. It was too catchy, but in the movie. 5. Film awesome thi. Karan Deol is awesome. And Dicto like Sunny Deol. Story telling की बात करें तो किस तरह से थी? कितना बांधे रखी मूवी आपको? बांधे नहीं लगी क्योंकि लव स्टोरी है. फिर ऐसा बीच बीच में जो बोर होता बोरनेस कभी आया नहीं फिल्म में. और उसमें फिल्म में बीच में एक एक्शन सिक्वेंस है करण देवल का. इट्स लाइक डुप्लीकेट ऑफ सनी देवल. एंड उसमें एक शाउट करता हो जैसे सनी देवल अपने पिक्चर में शाउट करते थे. सेम साउंड एंड सेम वॉल्यूम साउंड 100% क्योंकि कट्स एंड ऑल दैट सनी देओल के जैसी है पूरे. मूवी तो धमाकेदार होने वाली है. मूवी का याद नहीं पर करण देओल धमाकेदार जरूर होने वाले बॉलीवुड में. गाने कैसे लगे आपको? गाने अच्छे. 4.5. अच्छी लगी मुझे मूवी. क्या अच्छी लगी फिल्म? फिल्म में मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि डायरेक्शन काफ़ी अच्छा था. फर्स्ट हाफ में मुझे जो लोकेशन था जैसे मनाली का लोकेशन लिया हुआ था. काफ़ी अच्छी सिनेमाटोग्राफी थी मूवी की. सनी देओल का जो एक्चुअल पार्ट होता है वो सेकंड हाफ में जो फाइटिंग सीक्वेंसेस है काफ़ी अच्छे हैं. बाद में मूवी में एक अच्छा है मतलब एक काफ़ी अच्छा फील आता है. फैमिली मूवी टाइप लगती है. बहुत अच्छी लगी. काफ़ी लोग सनी देओल से कंपेयर कर रहे थे तो मूवी में कितनी झलक दिखी है इसकी? बोल सकते हैं कि फाइटिंग सीक्वेंस में जैसे सनी देओल को देख के लगता है एकदम एंग्री यंग मैन टाइप वैसा फील आता है एकदम उनको देख के. मूवी की याद दिलाती है सनी देओल की? मैं काफी किसे सीन की मुझे थोड़ी गदर की याद आती है सेकंड हाफ मूवी के अंदर. जब वो जो गदर की जो याद गदर में मतलब फाइटिंग सीक्वेंस ट्रेन का सीन आता मुझे याद. तो मतलब ऐसा आवाज चिल्लाने के हिसाब से मतलब वो आवाज एकदम सिमिलर लगी मुझे. सॉन्ग्स अच्छे थे मूवी काफी. मुझे काफी अच्छी लगे. एक्टिंग दोनों एक्टर्स की अच्छी है. डेब्यूटेंट तो बहुत अच्छा एक्टिंग किया है और अच्छी होगी आगे जाके. बताएं आप रोमांस कितना दिखाया गया? रोमांस काफ़ी दिखाया मतलब बोल सकते हैं कि 2-3 गाने बेस्ड है उसके ऊपर. तो मतलब काफ़ी है मतलब वो टाइटल सॉन्ग जो है पल पल दिल के पास वो भी अच्छा था. क्या आपको अच्छा नहीं लगा फिल्म? क्या अच्छा नहीं लगा कि मूवी थोड़ी लंबी होगी सेकंड हाफ में बस. क्योंकि इतना एक्सपेक्टेड नहीं था कि सेकंड हाफ मूवी इतना खींचेगा लेकिन वो खींचा मूवी तो करके फिर. अच्छा मार्क्स देना चाहोगे तो कितना? 5 में कितना? 5 में 3.5. करण तो इज डुप्लीकेट सनी देओल एंड डायरेक्शन इज वेरी गुड. एंड वो क्या कहते हैं करण इतना डिसेंट और इतना अच्छा लग रहा है कि लाइक आई एंजॉयड द मूवी. फर्स्ट हाफ वॉज वेरी गुड. नॉट गुड वेरी गुड लाइक माउंटेन सीनरी एंड सो नाइस ही वॉज लुकिंग. इट वॉज वेरी नाइस बट थोड़ा इंटरवल के बाद थोड़ा नीचे. बट डायरेक्शन इज वेरी वेरी गुड. तो पूरा सनी देओल ही लग रहा है वो तो. एंड वो फादर्स का लव भी दिख रहा है कि द वे ही हैज एक्टेड इसे हर चीज़ की बारीकी उन्होंने देखी ना सनी देओल. एंड ही इज द कार्बन कॉपी ऑफ सनी देओल. फिल्म के नाम के अकॉर्डिंग इसकी स्टोरी कैसे पल पल दिल के पास? वो नाम थोड़ा मैच थोड़ा कम हो रहा है कम हो रहा है. बट सहर इज वेरी गुड वेरी वेरी गुड. क्या सॉन्ग्स? ओके एक्शन वॉज ओके but first half was very good. Out of 5, how many stars? I would to give 7. no sorry, 7 out of 5. Yeah. 4. Thank you. Awesome movie. The best acting was the actor Karan. His cuteness is awesome in the movie. And by the way, the Zeher was also too good in the movie. And the best song was of the movie Palpal Dil Ke Paas.
the girl sang at the Manali while doing the camping. Awesome movie. New entry of the hero and heroine both. Awesome director was too good, but Sunny Deol was best director. Matlab, we can say it was perfect movie. Not one time, but you can watch it many times. Awesome songs. Best song was Palpal Dil Ke Paas. While they're camping, full tour of the camp. It was too catchy, but in the movie. Five. Film awesome thi. Karan Deol is awesome. And Dicto like Sunny Deol. Story retelling ke baat kare to kis tarah se बांधे नहीं लगी क्योंकि लव स्टोरी है, फिर ऐसा बीच बीच में जो बोर होता बोरनेस कभी आया नहीं फिल्म में, और उसमें फिल्म में बीच में एक एक्शन सीक्वेंस है करण देवल का, इट्स लाइक डुप्लीकेट ऑफ सनी देवल, एंड उसमें एक शाउट करता हो जैसे सनी देवल अपने पिक्चर में शाउट करते थे, सेम साउंड एंड सेम वॉल्यूम साउंड 100%, क्योंकि कट्स एंड ऑल दैट सनी देवल के जैसी है पूरे. मूवी तो धमाकेदार होने वाली है, मूवी का याद नहीं, पर करण देवल धमाकेदार जरूर होने वाले बॉलीवुड में. गाने कैसे लगे आपको? गाने अच्छे, 4.5. अच्छी लगी मुझे मूवी. क्या अच्छी लगी फिल्म? फिल्म में मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि डायरेक्शन काफ़ी अच्छा था. फर्स्ट हाफ में मुझे जो लोकेशन था, जैसे मनाली का लोकेशन लिया हुआ था, काफ़ी अच्छी सिनेमाटोग्राफी थी मूवी की. सनी देओल का जो एक्चुअल पार्ट होता है वो सेकंड हाफ में जो फाइटिंग सीक्वेंसेस है काफ़ी अच्छे हैं. बाद में मूवी में एक अच्छा है, मतलब एक काफ़ी अच्छा फील आता है, फैमिली मूवी टाइप लगती है, बहुत अच्छी लगी. काफ़ी लोग सनी देओल से कंपेयर कर रहे थे, तो मूवी में कितनी झलक दिखी है इसकी? बोल सकते हैं कि फाइटिंग सीक्वेंस में जैसे सनी देओल को देख के लगता है एकदम एंग्री यंग मैन टाइप, वैसा फील आता है एकदम उनको देख के. किस मूवी की याद दिलाती है सनी देओल की? मैं काफ़ी किसी सीन की मुझे थोड़ी गदर की याद आती है मूवी सेकंड हाफ मूवी के अंदर, जब वो जो गदर की जो याद दिलाती है गदर में, मतलब फाइटिंग सीक्वेंस जो ट्रेन का सीन आता मुझे याद, तो मतलब ऐसा आवाज़ चिल्लाने के हिसाब से, मतलब वो आवाज़ एकदम सिमिलर लगी मुझे. सॉन्ग्स अच्छे थे मूवी, काफ़ी मुझे काफ़ी अच्छी लगे. एक्टिंग कैसी है? एक्टिंग दोनों एक्टर्स की अच्छी है, डेब्यूटेंट तो बहुत अच्छा एक्टिंग किया है और अच्छी होगी आगे जाके. रोमांस कितना दिखाया गया? रोमांस काफ़ी दिखाया, मतलब बोल सकते हैं कि दो तीन गाने बेस्ड है उसके ऊपर, तो मतलब काफ़ी है, मतलब वो टाइटल सॉन्ग जो है पल पल दिल के पास, वो भी अच्छा था. क्या आपको अच्छा नहीं लगा फिल्म? क्या अच्छा नहीं लगा कि मूवी थोड़ी लंबी होगी सेकंड हाफ में, बस क्योंकि इतना एक्सपेक्टेड नहीं था कि सेकंड हाफ मूवी इतना खींचेगा, लेकिन वो खींचा मूवी तो करके फिर. अच्छा, मार्क्स देना चाहोगे तो कितना? 5 में कितना? 5 में 3.5. करण तो इज डुप्लीकेट सनी देओल एंड डायरेक्शन इज वेरी गुड एंड वो क्या कहते हैं, करण इतना डिसेंट और इतना अच्छा लग रहा है कि लाइक आई एंजॉयड द मूवी. फर्स्ट हाफ वॉज वेरी गुड, नॉट गुड, वेरी गुड, लाइक माउंटेन सीनरी एंड सो नाइस ही वॉज लुकिंग, इट वॉज वेरी नाइस, बट थोड़ा इंटरवल के बाद थोड़ा नीचे, बट डायरेक्शन इज वेरी वेरी गुड. तो पूरा सनी देओल ही लग रहा है वो तो. एंड वो फादर्स का लव भी दिख रहा है कि द वे ही हैज एक्टेड, इसे हर चीज़ की बारीकी उन्होंने देखी ना सनी देओल, एंड ही इज द कार्बन कॉपी ऑफ सनी देओल. फिल्म के नाम के अकॉर्डिंग इसकी स्टोरी कैसे पल पल दिल के पास? वो नाम थोड़ा मैच थोड़ा कम हो रहा है, कम हो रहा है, बट शहर इज वेरी गुड, वेरी वेरी गुड. क्या सॉन्ग्स? ओके, एक्शन वॉज ओके, but first half was very good. Out of 5, how many stars? I would to give 7. not 7, out of 5, yeah. 4. Thank you. Awesome movie. The best acting was the actor Karan. His cuteness is awesome in the movie, and by the way, the Zeher was also too good in the movie, and the best song was of the movie Palpal Dil Ke Paas. The girl sang at the Manali while doing the camping. Awesome movie. New entry of the hero and heroine both. Awesome director was too good, but Sunny Deol was best director. Matlab, we can say it was perfect movie. Not one time, but you can watch it many times. Awesome songs. Best song was Palpal Dil Ke Paas. अच्छा, कुछ सीन था जहाँ पे आप स्टंप से हो गए, वो
while they are camping, full tour of the camp. It was too catchy, but in the movie. What up, Amrish? 5. Film awesome thi. Karan Deol kaise the? Karan Deol is awesome. And Dicto like Sunny Deol. Story retelling ke baat kare to kis tarah se thi? बांधे नहीं लगी क्योंकि लव स्टोरी है, फिर ऐसा बीच बीच में जो बोर होता बोरनेस कभी आया नहीं फिल्म में, और उसमें फिल्म में बीच में एक एक्शन सीक्वेंस है करण देवल का, इट्स लाइक डुप्लीकेट ऑफ सनी देवल, एंड उसमें एक शाउट करता हो जैसे सनी देवल अपने पिक्चर में शाउट करते थे, सेम साउंड एंड सेम वॉल्यूम साउंड 100%, क्योंकि कट्स एंड ऑल दैट सनी देवल के जैसी है पूरे। मूवी तो धमाकेदार होने वाली है, मूवी का याद नहीं, पर करण देवल धमाकेदार जरूर होने वाले बॉलीवुड में। गाने कैसे लगे आपको? गाने अच्छे, 4.5 अच्छी लगी मुझे मूवी। क्या अच्छी लगी फिल्म में? फिल्म में मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि डायरेक्शन काफ़ी अच्छा था। फर्स्ट हाफ में मुझे जो लोकेशन था, जैसे मनाली का लोकेशन लिया हुआ था, काफ़ी अच्छी सिनेमाटोग्राफी थी मूवी की। सनी देवल का जो एक्चुअल पार्ट होता है वो सेकंड हाफ में जो फाइटिंग सीक्वेंसेस है काफ़ी अच्छे हैं, बाद में मूवी में एक अच्छा है, मतलब एक काफ़ी अच्छा फील आता है, फैमिली मूवी टाइप लगती है, बहुत अच्छी लगी। काफ़ी लोग सनी देवल से कंपेयर कर रहे थे, तो मूवी में कितनी झलक दिखी है इसकी? बोल सकते हैं कि फाइटिंग सीक्वेंस में जैसे सनी देवल को देख के लगता है एकदम एंग्री यंग मैन टाइप, वैसा फील आता है एकदम उनको देख के। मूवी की याद दिलाती है सनी देवल की? वैसे तो मैं काफ़ी सीन की मुझे थोड़ी गदर की याद आती है मूवी सेकेंड हाफ। मूवी के अंदर जब वो जो गदर की जो जाती गदर में, मतलब फाइटिंग सीक्वेंस ट्रेन का सीन आता मुझे याद, तो मतलब ऐसा आवाज़ चिल्लाने के हिसाब से, मतलब वो आवाज़ एकदम सिमिलर लगी मुझे। सॉन्ग्स अच्छे थे मूवी, काफ़ी मुझे काफ़ी अच्छी लगे। एक्टिंग कैसी है? एक्टिंग दोनों एक्टर्स की अच्छी है, था डेब्यूटेंट तो बहुत अच्छा एक्टिंग किया है और अच्छी होगी आगे जाके। बताएं आप रोमांस कितना दिखाया गया? रोमांस काफ़ी दिखाया, मतलब बोल सकते हैं कि 2-3 गाने बेस्ड है उसके ऊपर, तो मतलब काफ़ी है, मतलब टाइटल सॉन्ग जो है पल पल दिल के प्यार, वो भी अच्छा था। क्या आपको अच्छा नहीं लगा फिल्म? क्या अच्छा नहीं लगा कि मूवी थोड़ी लंबी होगी सेकंड हाफ में, बस क्योंकि इतना एक्सपेक्टेड नहीं था कि सेकंड हाफ मूवी इतना खींचेगा, लेकिन वो खींचा मूवी तो करके फिर। अच्छा, मार्क्स देना चाहोगे तो कितना? 5 में कितना? 5 में 3.5। करण तो इज डुप्लीकेट सनी देओल एंड डायरेक्शन इज वेरी गुड एंड वो क्या कहते हैं, करण इतना डिसेंट और इतना अच्छा लग रहा है कि लाइक आई एंजॉयड द मूवी। फर्स्ट हाफ वॉज वेरी गुड, नॉट गुड, वेरी गुड, लाइक माउंटेन सीनरी एंड सो नाइस ही वॉज लुकिंग, इट वॉज वेरी नाइस, बट थोड़ा इंटरवल के बाद थोड़ा नीचे, बट डायरेक्शन इज वेरी वेरी गुड। तो पूरा सनी देओल ही लग रहा है वो तो, एंड वो फादर्स का लव भी दिख रहा है कि द वे ही हैज एक्टेड, इसे हर चीज़ की बारीकी उन्होंने देखी ना सनी देओल, एंड ही इज द कार्बन कॉपी ऑफ सनी देओल। फिल्म के नाम के अकॉर्डिंग इसकी स्टोरी कैसे पल पल दिल के पास? वो नाम थोड़ा मैच थोड़ा कम हो रहा है, कम हो रहा है, बट शहर इज वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। क्या सॉन्ग्स? ओके, एक्शन वॉज ओके, बट फर्स्ट हाफ वॉज वेरी गुड। आई वुड टू गिव 7 7 आउट ऑफ 5 4। थैंक यू। ऑसम मूवी, द बेस्ट एक्टिंग वॉज द एक्टर करण, हिज क्यूटनेस इज ऑसम इन द मूवी, एंड बाय द वे द जहर वॉज ऑल्सो टू गुड इन द मूवी, एंड द बेस्ट सॉन्ग वॉज ऑफ द मूवी पल पल दिल के पास, David, they, the girl sang at the Manali while doing the camping. Awesome movie. New entry of the hero and heroine both. Awesome director was too good, but Sunny Deol was best director. मतलब we can say it was perfect movie. Not one time watch, you can watch it many times. Awesome songs. Best song was Pal Pal Dil Ke Paas. अच्छा, कुछ सीन था जहाँ पे आप स्टंप से हो गए हो? While they are camping, full tour of the camp. It was too catchy, but in the movie. What up, Amrish? 5. Film awesome thi. Karan Deol kaise the? Karan Deol is awesome. And Dicto like Sunny Deol. Story retelling ke baat kare to kis tarah se thi? Kitna bandhe rakhi movie aapko? Kitna bandhe rakhi movie aapko? Bandhe nahi lagi, kyunki love story hai. Fir aisa beech beech mein jo bore hota boreness kabhi aaya nahi film mein, aur usme film mein beech mein ek action sequence hai Karan Deol ka.
इट्स लाइक डुप्लीकेट ऑफ सनी देओल एंड उसमें एक शाउट करता हो जैसे सनी देओल अपने पिक्चर में शाउट करते थे सेम साउंड एंड सेम वॉल्यूम साउंड 100% क्योंकि कट्स एंड ऑल दैट सनी देओल के जैसी है पूरे मूवी तो धमाकेदार होने वाली है मूवी का याद नहीं पर करण देओल धमाकेदार जरूर होने वाले बॉलीवुड में गाने कैसे लगे आपको गाने अच्छे 4.5 अच्छी लगी मुझे मूवी क्या अच्छी लगी फिल्म फिल्म में मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि डायरेक्शन काफ़ी अच्छा था फर्स्ट हाफ में मुझे जो लोकेशन था जैसे मनाली का लोकेशन लिया हुआ था काफ़ी अच्छी सिनेमाटोग्राफी थी मूवी की सनी देओल का जो एक्चुअल पार्ट होता है वो सेकंड हाफ में जो फाइटिंग सीक्वेंसेस है काफ़ी अच्छे हैं बाद में मूवी में एक अच्छा है मतलब एक काफ़ी अच्छा फील आता है फैमिली मूवी टाइप लगती है बहुत अच्छी लगी मुझे काफ़ी लोग सनी देओल से कंपेयर कर रहे थे तो मूवी में कितनी झलक दिखी है इसकी बोल सकते हैं कि फाइटिंग सीक्वेंस में जैसे सनी देओल को देख के लगता है एकदम एंग्री यंग मैन टाइप वैसा फील आता है एकदम उनको देख के मूवी की याद दिलाती है सनी देओल की वैसे तो मैं काफ़ी सीन की मुझे थोड़ी गदर की याद आती है मूवी सेकेंड हाफ मूवी के अंदर जब वो जो गदर की जो याद गदर में मतलब फाइटिंग सीक्वेंस ट्रेन का सीन आता मुझे याद तो मतलब ऐसा आवाज़ चिल्लाने के हिसाब से मतलब वो आवाज़ एकदम सिमिलर लगी मुझे सॉन्ग्स अच्छे थे मूवी काफ़ी मुझे काफ़ी अच्छी लगे एक्टिंग कैसी है एक्टिंग दोनों एक्टर्स की अच्छी है सर डेब्यूटेंट तो बहुत अच्छा एक्टिंग किया है और अच्छी होगी आगे जाके रोमांस कितना दिखाया गया रोमांस काफ़ी दिखाया है मतलब बोल सकते हैं कि दो तीन गाने बेस्ट है उसके ऊपर तो मतलब काफ़ी है मतलब टाइटल सॉन्ग जो है पल पल दिल के प्यार वो भी अच्छा था क्या आपको अच्छा नहीं लगा फिल्म क्या अच्छा लगा कि मूवी थोड़ी लंबी होगी सेकंड हाफ में बस क्योंकि इतना एक्सपेक्टेड नहीं था कि सेकंड हाफ मूवी इतना खींचेगा लेकिन वो खींचा मूवी तो करके फिर अच्छा मार्क्स देना चाहोगे तो कितना 5 में कितना 5 में 3.5